वक्रदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि मित्रों नमस्कार। जय बाबा चलनाथ की और जय श्री श्याम। एक नया साल और एक नया दिन, यानी आज से 17 जनवरी और मंगलवार का दिन, आज से पहला दिन, यानी आज शुरू करने जा रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय कार्यक्रम आओ मेला चले। लेकिन इस बार केश अमृत आओ मेला चले, और यह मेले का कार्यक्रम आप समूचे ग्वालियर नहीं, यूट्यूब के माध्यम से विश्व नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में इस बार इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, वो भी सिटी केबल LCN 87 नंबर के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं बिन ग्वालियर हैथवे डैन और डिजियाना GPTL एशियन और सिटी केबल की प्रस्तुति केश अमृत आओ मेला चले। चलिए चलते हैं आज के कार्यक्रम में, कुछ जानकारी देंगे कि मेले में इस बार क्या नया है। 25वें वर्ष का यह कार्यक्रम, लगातार 25वें वर्ष मैं आपके बीच यहाँ मौजूद हूँ। इस कार्यक्रम को लेकर पूरी केश अमृत आओ मेला चलेगी टीम प्रयास करेगी कि पूरे कार्यक्रम में आपको घर बैठे गुदगुदाया जाए, कुछ हंसाया जाए। आपको भी तो लगे कि हाँ, आपका अपना प्रोग्राम आओ मेला चले, केश अमृत आओ मेला चले शुरू हो चुका है। चलिए चलते हैं आज के कार्यक्रम में, देखते हैं कितने क्या घूमा, क्या देखा, क्या पसंद किया और कौन आया आपको गुदगुदा गया इस कार्यक्रम में केश अमृत आओ मेला चले। रानी, रानी नाम है आपका, कहाँ रहते हो आप? भोड़ापुर में। भोड़ापुर में रहते हो, तो आज आप मेला देखने आए हो, किसके साथ में आए हो? सोनी बेगम। सोनी बेगम, सोनी मम्मी बेगम, मम्मी मम्मी है, उनका नाम सोनी बेगम है। अच्छा, किसने रखा था उनका नाम सोनी बेगम? नानी ने भाई। आपको मालूम है नानी ने रखा था? अच्छा, टीवी पे देखते हो आप प्रोग्राम? देखते हो? अब पिछले साल नहीं आया, उससे पहले तो 15 दिन का बना था, फिर भी टीवी पे देखते हो, यूट्यूब पे भी देखते हो। चलो, क्या सुना रहे हो आप? नाचेंगे। नाचोगे आप मम्मी के साथ की अकेले? अकेले। अकेले? मम्मी को आता है? नहीं। क्या नाम है मम्मी का? सोनी। पूरा क्या बताया था? सोनी बेगम। सोनी बेगम, उनको नहीं आता नाच? सिखाया नहीं आपने? आपको किसने सिखाया है? हम तो अपने आप ही सीखे। अच्छा, आप अपने आप सीख गए, मम्मी को नहीं सिखाया आपने, तो अपने आप मम्मी को सिखा दो। चलिए, आपका नाम क्या है? आसिफा। कहाँ रहते हो आप? भोड़ापुर मेवाती मुल्ला। आप दोनों बहने हो क्या? नहीं, हम दोनों बहने। अच्छा, आप दोनों बहने हो? अच्छा, वो अलग है और आप अलग हो। आप क्या सुनाओगे? आप हम नाचेंगे। नाच के अलावा क्या सुनाओगे? हम कहानी सुना सकते। कहानी? कहानी सुनाओ। कहानी इतनी अच्छी मेरी गाय, दूध पिलाती मेरी गाय, चारा खाती मेरी गाय, खड़ी रमाती मेरी गाय। अच्छा, इतनी अच्छी मेरी गाय, दूध पिलाती मेरी गाय, चारा खाती मेरी गाय, खड़ी रमाती मेरी गाय। आप गाय को भी रोटी खिलाते हो? हाँ। पक्का? कैमरे के सामने झूठ तो नहीं बोल रहे ना, है ना? गाय को तो नहीं मारते ना? नहीं। गाय को नहीं मारना चाहिए, है ना? चलो, क्या नाम है आपका? रेहान खान। रेहान, तुम कहाँ रहते हो? रेहान, मैं अवालपुरा में रहता हूँ। अवालपुरा में रहते हो, तो रेहान क्या सुनाओगे आज? मैं दो माँ के ऊपर शायरियाँ सुनाऊंगा। माँ के ऊपर शायरियाँ? आने दो माँ के ऊपर शायरी। वारे जमाने तेरी याद, जोर से सुनाओ, मेरे पास तक आवाज आए, माइक कवर कर। वारे जमाने तेरी याद हो गई, वारे जमाने तेरी याद हो गई, माँ के आगे दुनिया रद हो गई। वाह, और ए माँ तू कितनी अच्छी है, ए माँ तू कितनी अच्छी है, भूल गया दोबारा रिपीट कर सकता हूँ? वारे जमाने, वो सॉरी, माँ तो कितनी अच्छी है, ए माँ तो कितनी अच्छी है, खुद ज़मीन पे सोती है और मुझे खटिया पर सुलाती है। ए माँ तो कितनी अच्छी है, ए माँ तो कितनी अच्छी है,
मुझे कंबल पर सुलाती है और तू बिना कंबल के सोती है। वाह, चलिए बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन ये जितने छोटे छोटे बच्चे ये कार्यक्रम देख रहे हैं ना, मैं आपको टाइम बता देता हूँ, छतरी नंबर 2 पर आपको 12:30 बजे तक आना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद फिर मैं सारे बच्चों को अपने साथ, ऐसे नन्हे मुन्ने जो आए हैं, आपको अपने साथ लाऊंगा, ढेर सारे गिफ्ट दूंगा और आपके पास जो भी कुछ है वो रिकॉर्ड करूंगा, पूरे मध्य प्रदेश तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुशवाहा। अच्छा अभिषेक कुशवाहा, कहाँ रहते हो? जौरा में। अरे यार, जौरा से मेला देखने आए हो? हाँ। तो तुमने टीवी पे देखा ये प्रोग्राम? मामा के यहाँ पे देखा है। अच्छा, मामा के यहाँ देखा है? तो पिछली साल कार्यक्रम तो चला नहीं, लेकिन इस साल चलेगा। उससे पिछली साल 15 दिन का बना था, फिर मेला खत्म हो गया था। तो जौरे से आए हो या जौरा से? जौरा से। जौरे से तो नहीं आए? नहीं। मुरैना वाले बोलते हैं जौरे से आए हैं, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ। कहाँ से आए? जौरा से आए। जौरे से तो नहीं आए? चलो क्या सुनाओगे तुम? कहानी सुनाओगे? सुना दो कहानी। तितली उड़ी बस पे चढ़ी, ड्राइवर बोला। अरे यार, इतने बड़े हो गए यार, छोटे छोटे बच्चे सुनाते हैं ऐसी तो यार, मालूम है आपको, बहुत छोटे छोटे बच्चे तितली उड़ी बस पे चढ़ी, छोटे छोटे बच्चे सुनाते हैं। और क्या आता है? सुना। नहीं आता? टेम्पो चला तेज, ब्रेक नहीं लगे, हमने पैसे ना दिए और टांग उठा के भगे। नमस्ते अंकल, अब ये भी आता है यार, थोड़ा लेट हो गए बेटा। कितनी सुना दी तुमने? एक भी नहीं सुना पाया। अरे अंकल, इसके बाल बहुत थोड़े हैं और ये और मैं गोरे हैं, हम नहीं दिखाएंगे अपनी पीठ, हमारी पीठ पे फोड़े हैं। पोएम है, नई बनी है अभी नई लॉन्च हुई है, झालूमल लेखक ने लिखी है। ये सारे बच्चों को कौन लाया? इनको मैं लाया हूँ बांध के। अरे लोडिंग में रस्सी नहीं थी ना पीछे, तो बांधनी पड़ती है लोडिंग। ये कूद जाते, खतरनाक बच्चे हैं बहुत। एक ने तो ड्राइवर को सीट से हटा दिया और कहता है ब्रेक कैसे लगेंगे, और ब्रेक लगा दिए, पीछे आंटी इसकी मम्मी गिर गई पीछे से। अब पीछे दो लड़के भेजे, वो ला रहे उठा के इसकी मम्मी को। हाँ, इसकी मम्मी कहाँ गए? वो ये राजू की। ये राजू की? हाँ। ये राजू है? ये राजू है। अच्छा। हाँ, ये राजू है। ये राजू नाम है इसका? हाँ, ये राजू है, क्योंकि इसके पापा की शादी हुई थी ना, तो इसके पापा के ससुर ने उनको दिए थे काजू, तो आ गए राजू। एक मिनट, क्या नाम है आपका? राजू। बेटा क्या नाम है आपका? राजू। आपका क्या नाम है? सिमरन। एटीट्यूड है तो बात नहीं करता किसी से। वैसे बाबू भैया है, निखिल कटारिया है, घर पे बैठ के देख रहे हैं, तो ताली बजा दीजिए, यहाँ बजा दीजिए। ये हमारे मध्य प्रदेश की आन वान शान ये बाबू भैया। मैं अपना काम कर लूँ बाबू? कर लो। बीच में तो नहीं बोलोगे ना? नहीं, अब नहीं बोलूँगा। पक्का ना? पक्का वादा। क्या नाम है बेटे? सिमरन। कहाँ रहते हो? मुरार। मुरार रहते हो? तो टीवी पे भी देखा आपने प्रोग्राम? हाँ। अच्छा, पिछले साल नहीं आया था बस। कोई बात नहीं है, आप क्या सुनाओगे? कहानी सुनाओगे? पोयम सुनाओ। जय 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 भारत जननी, वंदन तुम स्वीकार उमा, उच्च हिमालय शुभ्र मुकुट है गंगा, यमुना हर नवल, गोदा कृष्ण कावेरी भी प्याल उठाती है अविरल। वाह, कितने भाई बहन है आपके? एक भाई है। कहाँ है? Yeah. अच्छा, ये आपका भाई है, आप बहन हो? ये मतलब ये बड़ा है, आप छोटे हो? नहीं, मैं बड़ी हूँ। अच्छा, मतलब ये आपसे बड़ा है और आप इससे छोटे हो? नहीं, ये छोटा है, मैं बड़ी हूँ। अच्छा, ये आप कहना चाह रहे हो ये उम्र में बड़ा है, आप लंबाई में बड़े हो? ऐसा नहीं, ये छोटा है, मैं बड़ी हूँ। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये उम्र में बड़ा है, आप लंबाई में बड़े हो? ये छोटा भाई है, मैं बड़ी बहन हूँ। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, ये मतलब आपका भाई है, उम्र में बड़ा है, आप लंबाई में बड़े हो। हाँ। है ना, तो मतलब ये आपका बड़ा भाई है, आपकी छोटी बहन हो आप? नहीं, मैं बड़ी बहन हूँ, छोटे। ये है बड़ा कि आप बड़े हो? हम बड़े हैं। किसने बताया आप बड़े हो? ये नहीं मालूम आपको? किसने बताया आप बड़े हो? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? किस क्लास में पढ़ रहे हो? फोर्थ। कितने सालों से? पता नहीं। पता ही नहीं कितने सालों से फोर्थ में हो? इसी साल करवाया था पापा। इसी साल आपने कैसे करा लिया 2023 में फोर्थ में? मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता, तो चलो मैं आपको गिफ्ट दे दूंगा, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? रोशन कुशवाहा। रोशन, आप कहाँ रहते हो? मालनपुर। मालनपुर में रहते हो? तो मालनपुर में तो हमारा प्रोग्राम चलता है, आओ मेला चला, देखा टीवी पे आपने? नहीं देखा?
चलो क्या सुनाओगे? कहानी सुनाओगे? सुना दो भैया, कहानी सुना दो। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है, उच्च हिमालय मस्तक इसका पग पर चल के सागर है, नदियां भरी शीतल से। भूल गए? हो गई पूरी? पक्का पूरी हो गई? विद्या रानी कसम इतनी है? हाँ। इससे ज्यादा नहीं है? पढ़ रहे हो भी आप? किस क्लास में? थर्ड में। कितने सालों से हो? एक साल से हो? किस साल में आए थे थर्ड में? 2022। अब क्या चल रहा है? 2023। कितने साल हो गए? एक साल। 22 और 23 कितने होते हैं? 23। कोई बात नहीं है। चलो क्या नाम है बेटे आपका? रानी कुशवाहा। अच्छा, आप तीनों भाई बहन हो गए? नहीं, हम तीनों। ये आप भाई हो और आपका नाम? नित्या। कहाँ रहते हो? अरिराम की कुइया। कहाँ पर है ये? वो अरे ग्वालियर के पास में। ग्वालियर के पास में है? चलो तो ठीक है। क्या सुनाओगे आप? प्रोग्राम देखते हो आप टीवी पे? आप भी नहीं देखते। चलो क्या सुनाओगे? वो कविता। कविता सुनाओ आप। कविता। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा जारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। हो गया। कितने भाई बहन हो आप? दो भाई एक बहन। दो भाई एक बहन हो? अच्छा, वेरी गुड। अभी ये दोनों पीछे से कहाँ से आ गए? आदिया बापित लौटते दिल तुनते बाल बापित, आद मिले तन मिला छोटा तैदी भी आदिया, दे ए मेला दुनिया तैदी, मैं हूँ तीनियल तैदी। तैदी? अरे तैदी। हाँ तो कोई तो कह रहा है टैडी। अभी टैडी लग रहे, लंगूर लग रहे दोनों कहीं के। तैदी तैदी। ये टैडी क्या होता है अंकल? टैडी क्या होता है? दो तोली चलते हैं लूट। अबे टैडी चोरी नहीं करते, टैडी तो किसके पास होते? बच्चों के पास होते टैडी। हाँ बच्चों के। चोरी तो चोर करता है। तो मैं भी तो तोली हूँ। कि तोड़े कहाँ का तोड़े? अरे तोल तो तैदी बोलते हैं यार। तेदी ते तेदी बोल रहा। तेदी तेदी। अच्छा अब मैं समझा, ये चोरी किए हुए टेडी बियर है, इनको किसी ने चुरा लिया है। अब मैं समझ गया। देखो मैं कितना समझदार हुआ पीठ सत्य भाइयों। ये पता क्या क्या करने आया था यहाँ पे? मैं यहाँ पे आ गया दिल तुनते। हाँ तो हम लोग तल्ले तो तोली, अब मैं आ गया दिल तुनते बाल। हम लग तो नहीं लेना कहीं ते तैदी। क्या कह रहा है? मेरे को है कौन, मेरे को ही बता। अच्छा मुझे लिख के बता दे क्या बोल रहा है तू। तैदी। अरे ये बोल रहा है मैं कैदी हूँ। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। इतनी देर से भाई तो समझ में नहीं आता। हाँ। अनपढ़ आदमी। अबे वो जवान तेरी लड़खड़ा रही, अनपढ़ है मैं। अरे मेरी दबान बोल तो तई, आपकी दबान तलाब है। आप तो तान बेले हो गए। कान में बेलन हो गया मतलब? तान मतलब अंधे हो गए तान आपते। मेरे कान अंधे हो गए? अच्छा एक बात बता, गूंगे को पानी चाहिए कैसे मांगेगा? दूने तो पानी चाहिए। हाँ, कैसे मांग? पानी दे दो मैं तो। अबे गूंगा है ना, बोल नहीं पाएगा ना, इशारे से कैसे मांगेगा? दूना तल नहीं पाता भाई, था तुम्हें अतल ही नहीं है, तभी बोला तुम अनपढ़ आदमी हो यार। अरे मेरी बात तो सुन, गूंगे को पानी चाहिए कैसे मांगेगा बता सबको? दूना पानी ऐसे मान लेगा, पानी दो। हाँ तू बता कैसे मांगेगा? गूंगे को पानी चाहिए कैसे मांगेगा ऐसे? अच्छा अभी बता अंधे को कैची चाहिए कैसे मांगेगा? अंधे को कैची चाहिए कैसे मांगेगा? कैची कैची अंधे को कैची चाहिए कैसे मांगेगा? अबे अंधा तो बोल सकता है ना कदे, ऐसे ऐसे कर रहा है ये। यार मेरी बात सुन बाबू, सही समझ गया मैं कैदी है बाकी में। वैसे ये नवाब खान और ये हमारे ऋषभ परिहार, ये आओ मेला चले टीम, इंट्रोडक्शन हम बीच बीच में आपका कराते जा रहे हैं। ये कैदी है दोनों? ये कैदी है। भाई साहब नाक में दम कर दिया है इनने, बार बार जेल से भागे आते हैं। अबे नाक में दम नहीं होता, नाक में नाक होती है। इनने दम कर दिया भैया यार, बार बार निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं। कौन है? इतनी बार पकड़ के ले जाऊं इनको मैं? ये सस्ता मतलब गार्ड लग रहा है कहीं का मुझे भाई साहब। यार छोड़ दो इन्हें। अबे पकड़ेगा तू ना गार्ड, तू है हम के जोड़े। मैंने तला क्या है भाई साहब, मेरा मेरी नौकरी चली जाएगी, ताई थी नौकरी चली जाएगी। तुम्हारे चक्कर में तुम रोजाना भागे आते हो।
अबे कहाँ से भागते तू? एक जेल से कैदी है ये, कैदी। अच्छा ये कैदी है? हाँ। और तुम इनको पकड़ने आए हो? हाँ, मैं पुलिस। तोली पतली दही हमारी भाई साहब। चलो यार, बचा लो भाई साहब तोला। एक मिनट, आराम से ले जाओ इनको, आराम से। इज्जत से भाई, इज्जत। जा जा भाई, जल्दी जल्दी जा, जल्दी चल, निकल निकल। अबे ये बाबू, मेरे को रट्टा समझ में नहीं आ रहा है। दोनों कैदी थे, पीछे से पुलिस आ गई, समझ में नहीं आया मुझे। पुलिस तो नहीं लग रही थी, वो तो वाला लग रहा है मेरे को। वर्दी पहन के उनको उल्लू वाला गया लग रहा था कहीं से। आपने मेरे दिल की बात ले ली। ये कैदी पैदी नहीं, इनने यहाँ तक आए होंगे, किराया दिया नहीं होगा, वैसे ले गए इनको पकड़ के। अच्छा, तो मतलब प्री-प्लान करके आए? प्री-प्लान करके आए ये। आपको गुमराह कर रहे हैं, आप मान नहीं रहे मेरी बात। ला मुझे 300 रुपये दे दो, मैं निकल जाऊँ यार। किस चीज के लिए चाहिए वो 300 रुपये? मेरे को है ना चाहिए, बस काम है एक थोड़ा सा। क्या काम है? काम क्या है? काम बहुत जरूरी बता नहीं सकता मैं। लहंगा खरीदना है अपने लिए। चल बीच में नहीं आना। मैं बीच में साइड से आया था। मैं तो इधर आओ, बीच में नहीं आना। पक्का नहीं? बीच मैं बोल रहा हूँ। अरे हाथा भाई की बात थोड़ी हो रही है। बीच में नहीं आना, मैं आपसे मुँह से बात कर रहा हूँ। इनको ये मेरे को गुमराह करने आया था, तू लेकर आया था इनको दोनों को। कैदी कैदी मेरे दाढ़ में बाल तोड़ हुआ है, आपको पता है? इसको कौन लाया था दोनों को? मैं थोड़ी लाया था। कौन लाया था फिर? अगर अब आपने चाटा मारा क्या होगा? मैं रो दूंगा सबके सामने। मैं कह रहा हूँ बाल तोड़े मेरे दाढ़ में, बस पड़ रही है बस। सुन हो गया ये? सुन हो गया, बंद हो गया, डर बंद हो गया ना? आप बाल निकल गया होगा ना? ये कहाँ पे खड़ा हूँ मैं अभी? मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ अभी, रुको आप एक मिनट। अरे बात सुन यार, बात सुन। चाटा मारने पे जुर्म होता है आजकल। तो कहाँ जा रहा है? वो लगती है धारा, धारा कहते हैं वो धारा वाली। कौन सी लगती है? तो अंकल धारा कौन सी लगती है चाटे पे? कोई भी बता दो, बस तो जाऊंगा कम से कम। चल धारा लगती है, बीच बीच में किसी का भी शो आके खराब कर रहा है तू। खराब थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बना रहा था, आपने मेरे को खराब कर दिया पूरा। ये दो को ले आया, एक वो ऑटो वाले ले आया कि वो पुलिस में, वो ऑटो शकल से दिख रहा है वो ऑटो वाला। अब मैं क्या करूँ, उसकी शकल इतनी गंदी है। तो आया तू, एक्टिंग भी नहीं कर पाते, जाना काका से आए थे मुंह उठा के। मैं बोल रहा था इधर जूता पॉलिश वाला लग रहा था मेरे को तो। वो जा तो रहा हूँ, चाटे मार दिए 3। जाऊँ अब मैं, निकलू बीच में तो नहीं आओगे? नहीं, एक लात और मार दो फिर चले जाऊंगा। अरे जा रहा हूँ मैं, फिर चाटे मार रहे हो, रोक रोक के। ऐसे कौन मारता बुला बुला के? इज्जत से मारो कम से कम, बिठाल के। इज्जत से कैसे मारते? कुर्सी पे बिठाल के। और बेटा कैसे हो? फिर चटाक। अच्छा तो थोड़ा लगेगा। अच्छा अच्छा इधर आओ। बिन हाँ नहीं, वो कल कल पढ़वाऊंगा, दर्द हो रहा है। एक मिनट में तुम्हारा बाल निकाल देता हूँ, तोड़ रह जाएगा अकेला। नहीं नहीं, बाल तोड़ नहीं, कुछ और दिक्कत है मेरे को दाढ़ में। अच्छा हाथापाई हो गई थी। जा रहा हूँ भाई, गुड नाइट। गुड नाइट का मौसी। कहाँ पे मौसी? पीछे खड़ी है, पीछे। चलो ये खान समा रानी विशाखा अलजिपा तासिपा। आप सभी लोग डांस कर रहे हैं, देखते हैं जो मेरे को बता देगा पद्मश्री चाय थोक में कहाँ मिलती है, मैं उसको बड़ा गिफ्ट दे दूंगा, जो भी बता देगा। आई आई टी कंपनी नजा बाजार नया बाजार जींस। बिल्कुल लश्कर, लश्कर और ग्वालियर, ग्वालियर। लेकिन मैं भी आपको उसका गिफ्ट दे रहा हूँ बड़ा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दे रहा हूँ केश अमृत। रखिए ये केश अमृत, आपको मैं बता दूं जितने लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, केश अमृत आपकी मम्मी डैडी या सिस्टर जिसके भी बाल झड़ रहे हैं ना, ये उनको देना। अगर ज़्यादा स्पीड में बाल झड़ रहे हैं तो ये जेल। देखिए बालों की बहुत बड़ी समस्या होती है, और एक साल से इस प्रोडक्ट को मैं कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस्तेमाल करने के बाद मैं इस शो में इस प्रोडक्ट को लेकर आया हूँ कि मैं गारंटी से कह सकूँ, गारंटी से। केश अमृत, अगर आपके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, जितने भी मेरे यंगेस्ट बॉय हैं, गर्ल्स हैं या जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, तो मैं कहूँगा ये जेल है, लगातार 15 दिन लगाएं आप, लगातार 15 दिन कंटिन्यू ये जेल लगाएं, और उसके बाद ये तेल लगाते रहें आप, आपके बालों को आराम मिल जाएगा। एक आप दोनों सिस्टर, आपके लिए भी है,
रखते जाओ, दोनों के लिए है, रखते जाओ। एक आप दोनों के लिए और है आपके लिए, हाँ रखो, एक आपके लिए भी है। ये केश अमृत से आप तीनों हैं, रखो, आप तीनों के लिए केश अमृत से है। बेटा आपको मैंने एक साथ दी हैं, आप अकेले हैं, एक आपके लिए रख लो। केश अमृत ये बाज़ार में हर जगह उपलब्ध है, एक आप दोनों के लिए, दोनों भाई बहन हैं, केश अमृत, और एक आपके लिए भी रख लो बेटे, ये केश अमृत, और एक एक मैं आपके लिए और देता हूँ। पद्मश्री चाय RRD कंपनी, नया बाज़ार, बाज़ार में हर जगह उपलब्ध है, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए है बेटे, आप दोनों एक साथ हैं, सब लोग ये पकड़ते जाओ, आपके लिए एक, आपके लिए है बेटे, रखो, आप दोनों के लिए है पद्मश्री चाय, और एक आपके लिए भी है पद्मश्री चाय, एक आपके लिए बड़ा है, आपने जो बताया है RRT कंपनी, एक आपके लिए पद्मश्री चाय की ओर से उपहार। ये इनके यहाँ क्या क्या है किराए पे? इनके यहाँ लहंगा 1,00,000 तक का लहंगा, और दूल्हे के लिए शेरवानी, बस इतना ही मालूम है मुझे, इतना ही मालूम है। चिटनीस की गोट, अगर आपके यहाँ कोई भी विवाह उत्सव है, क्रॉप टॉप, गाउन, साइड बाई साइड लहंगे, दूल्हे के लिए पूरी रेंज किराए पे उपलब्ध है, रखो, आपको तो यार याद है, आपके लिए, एक आप दोनों के लिए है। ये सिद्धि विनायक ज्वेलर से, एक आपके लिए है सिद्धि विनायक ज्वेलर से, आप तीनों के लिए है सिद्धि विनायक ज्वेलर से, एक आपके लिए भी बेटे सिद्धि विनायक से है, एक आप दोनों भाई बहन के लिए, एक आपके लिए है सिद्धि विनायक ज्वेलर से, और एक 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 आपके लिए और देता हूँ। निरंकारी बेकरी, एक एक आपके लिए रखो, ये आपके लिए स्पेशल क्रीम रोल, एक आपके लिए है, आप दोनों के लिए, एक आपके लिए भी बेटे क्रीम रोल है, रखते जाओ, एक आपके लिए है, आपके लिए भी बेटे क्रीम रोल है, एक आपके लिए। ये कहाँ पे निरंकारी बेकरी? निरंकारी बेकरी जे चरणगंज और होटल सिल्वर एस्टेट उसके सामने, लेकिन एक चीज और है, निरंकारी बेकरी अब यहाँ पर ग्वालियर के व्यापार मेला 36 नंबर 3 पर आप सभी के बीच में है, एक आपके लिए निरंकारी बेकरी से, और एक एक और अनेजा मॉल, अनेजा मॉल ये नहीं मालूम, महाराज वाड़े के सामने ही पास में है मोर बाजार, एक आपके लिए उनसे और है, आपके लिए भी है बेटे, आपके लिए अनेजा मॉल से, रखो, आप तीनों के लिए अनेजा मॉल से है, आपके लिए भी है अनेजा मॉल से है, एक आप तीनों के लिए, एक आपके लिए अनेजा मॉल से, आपके लिए रखिए अनेजा मॉल, ये एक आपके लिए रखो बेटे, एक अनेजा मॉल से है, एक आपके लिए है अनेजा मॉल से है, एक आप तीनों के लिए है अनेजा मॉल से, रखो, एक एक अनेजा मॉल से और है, रखिए रखो, एक आपके लिए भी अनेजा मॉल से, और एक आपके लिए अनेजा मॉल से, और मैं इतना कहूँगा, छोटे मोटे, छोटे छोटे नन्ने मुन्ने मेरे प्यारे प्यारे दोस्त जो कार्यक्रम देख रहे हैं, ये कार्यक्रम अब कंटिन्यू है, चालू है, और इसका टाइमिंग बता देता हूँ, 12:30 बजे तक आपको 36 नंबर 2 ग्वालियर के व्यापार मेले में आना है। यहाँ से मैं अपने सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को अपने साथ में यहाँ पार्क में लाता हूँ और इंटरव्यू यहाँ करता हूँ, बच्चों का एक अलग यहाँ पे मेरे पास स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक जगह होती है। चलिए चलते हैं 2023 के शमृत, आओ मेला चले कार्यक्रम के तहत, अब मेले में अंदर क्या क्या है वह भी दिखाएंगे, लोगों से भी मिलवाएंगे। यहाँ से सीधे 36 नंबर 1 और विशाल फर्नीचर, विशाल विंडो कूलर शोरूम के अंदर मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं विशाल फर्नीचर, विशाल विंडो कूलर के संचालक विशाल जी। विशाल जी स्वागत आपका, आओ मेला चले केश अमृत, आओ मेला चले 2023। आज हम आपका भी स्वागत करेंगे क्योंकि आपके प्रोग्राम को लगातार 25 साल पूरे हो गए हैं। 25 साल बिल्कुल, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई। अब विशाल भैया मैं केवल एक चीज पूछूंगा आपसे कि इस बार के ग्वालियर के व्यापार मेले में शोरूम बहुत बड़ा है आपका। भैया कस्टमर्स का प्यार इतना है कि वो छोटे शोरूम में समा नहीं पा रहा, इस बार वैरायटी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लगाई है मेले में। सोफ़ों की बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास, डबल बेड्स की बहुत बड़ी रेंज है, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा कम बेड, स्लीप वेल वर्ल्ड, अलमारी, कूलर, इतनी बड़ी रेंज है कि उसके लिए हमें ये जगह भी कुछ कम पड़ रहा है। जैसे मैं यहाँ से चलता हूँ जी भैया, इस बार तो ये वाली जो चेयर है बड़ी एक्सक्लूसिव लग रही है, रॉकिंग चेयर भी है इस बार मेले में, और सेंटर टेबल की रेंज है, डबल बेड है, सब सेंटर टेबल्स की बहुत बड़ी यहाँ पे रेंज, सेंटर टेबल और सोफे यहाँ पे आपके यहाँ सोफे, सोफों में भैया हमारे पास 5 सीटर लाउंजर सोफा, कॉर्नर सोफा, और उसके अलावा कस्टमर कोई अपने डिजाइन से बनवाना चाहता है तो वो भी हम लोग यहाँ मेले में बना के दे रहे हैं। राइट, कूलर्स, अलमारी,
प्लस फर्नीचर और स्लिप बेल मैट्रेस। बिल्कुल भैया, शादी का जो कहते हैं पूरा पैकेज, वो आपको पूरा पैकेज एक विशाल विंडो कूलर और फर्नीचर पे मिल जाएगा भैया। हर कोई इंतजार करता है ग्वालियर के व्यापार मेले का कि उसको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, साल भर इंतजार करते हैं। तो अगर मैं लाभ की बात करूं विशाल भैया, भैया मेले में हम लोग काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो वैरायटी दे रहे हैं हम, वो आपको पूरे मेले में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, चाहे वो बेड की हो, चाहे वो सोफा की हो, चाहे डाइनिंग की हो। एक बहुत बड़ी रेंज हम लोगों ने लगाई हुई है और साथ में मेले के डिस्काउंट तो हम दे रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर का व्यापार मेला नई नई सौगातें और नए नए उपहार लेकर आप सभी के बीच आता है। विशाल फर्नीचर पर जो अभी मैं यहाँ विजिट कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा। ये कहा जाएगी अगर आप सोफे का प्लान कर रहे हैं यहाँ पर, तो सोफे के प्लान के साथ यहाँ इतने सारे सोफों की यहाँ रेंज है कि आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बेटर या ये बेटर। साथ में डबल बेड्स की एक बहुत बड़ी यहाँ श्रृंखला है, वास्ट डोर है यहाँ पर, इसके साथ में ड्रेसिंग टेबल हैं, जॉइनिंग टेबल हैं, एक ऑल इन वन ये पूरा का पूरा यहाँ पर इनके यहाँ एक पूरा पैकेज है। और साथ में कूलर अलमारी यानी विशाल है तो फ्यूचर है, ये इनका स्लोगन है, विशाल है तो फ्यूचर है। यूं ही कोई एक नंबर नहीं बन जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है और मेहनत की है विशाल फर्नीचर ने, विशाल विंडो कूलर ने आपको सर्विस फ्री देकर। और सर्विस फ्री तो शायद दीपक भैया सर्विस फ्री इस वर्ष भी। बिल्कुल भैया, क्योंकि फर्नीचर की क्वालिटी ऐसी रहती है कि उसमें कोई मेंटेनेंस आता ही नहीं है, फिर भी यदि कोई कस्टमर का कोई शिकायत आती है तो उसका हम लोग कोई चार्ज नहीं लेते। और मेले के अंदर तो भैया हो सकता है आपको सेम डिज़ाइन मिल जाए लेकिन विशाल की क्वालिटी को कोई को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। रेट हमारे यहाँ सबसे कम है, क्वालिटी हमारे यहाँ सबसे अच्छी है, वैरायटी जो लेटेस्ट वैरायटी वो है। और छतरी नंबर भैया 1 से 2 के बीच के अंदर इस बार लगा हुआ है पूरा शोरूम, दोनों तरफ से गेट है और दोनों तरफ से कहीं से भी कस्टमर आ सकते हैं, आपका स्वागत है यहाँ। 1 से 7 के बीच में आपको विशाल मिल जाएगा, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 तो मिलता ही है, 1 से 2 मिल जाएगा, 1 से 7 के बीच में भी गेट है और पीछे से 7 से 6 के बीच में भी गेट है। तो इतना बड़ा आप ये कह सकते हैं कि आप अगर पूरे मध्य प्रदेश में ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो शायद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एक सिंगल लार्जेस्ट अगर शोरूम मिलता है वो मिलता है विशाल फर्नीचर, छतरी नंबर 1, याद रखिए छतरी नंबर 1। अगर आप फर्नीचर लेना चाहते हैं फिर मैं आपसे कहूँगा, देखिए वैरायटी क्वालिटी कंप्रोमाइज मत करिए आप, ऐसा ना हो आप अपने किसी परिचित के यहाँ से कोई प्रोडक्ट ले लें बाद में कोई अगर फर्नीचर में भी भैया अगर कोई जैसे दिक्कत आती है प्रॉब्लम आती है उसकी भी सर्विस आप। बिल्कुल भैया बिल्कुल फ्री सर्विस है, किसी प्रकार की कोई शिकायत आती नहीं है, आती है तो बिल्कुल हम लोग जिम्मेदार हैं उसके लिए, बिल्कुल चिंता मत करो आप उसके लिए। ओके, ये जैसे ये टेबल है इस पर हल्का सा स्क्रेच आ गया और आपने देखा कि अरे अब बेकार, लेकिन एक फ़ोन करिए विशाल फर्नीचर पर, यहाँ से सर्विस मैन आएंगे आपके पास आपके घर, आपका जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा खराब हो गया अच्छा कर आएंगे। ये सबके लिए आपको आना पड़ेगा छतरी नंबर 1 पर विशाल फर्नीचर, विशाल विंडो कूलर, स्लिप बेल मैट्रेस, ये पूरा एक कॉम्बो फर्नीचर और कूलर्स का शोरूम आपको मिलेगा छतरी नंबर 1 और शहर में इनका ही ना जिनसी नाला नंबर 1 ऊंट पुल के पास, लेकिन ग्वालियर के व्यापार मेले एक्सक्लूसिव स्कीम्स के साथ विशाल फर्नीचर और विशाल विंडो कूलर। चलते हैं यहाँ से सीधे अनेजा मॉल, अनेजा शोरूम के अंदर, अनेजा मॉल और अनेजा शोरूम यहाँ आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पहली मंजिल अनेजा शोरूम। यहाँ से देखिए जैसे ये लिफ्ट की व्यवस्था हो, यहाँ से चलते हैं अब पहली मंजिल, ये पहली मंजिल पर मिलता है आपको साड़ी और ब्राइडल लहंगों की एक बहुत बड़ी रेंज। यहाँ से चलते हैं अब सेकेंड फ्लोर पर जहाँ पे आपको गाउन, क्रॉप टॉप और अन्य वैरायटी यहाँ मिलती हैं अनेजा मॉल पर। यहाँ भी लिफ्ट की व्यवस्था है। अब यहाँ से चलते हैं थर्ड फ्लोर ये अनेजा शोरूम, यहाँ पर आपको मिलते हैं लाइट वेट लहंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कस्टमर अपने अपने साइज के लहंगे ट्राई करते हुए। अनेजा शोरूम
क्यों नंबर एक क्यों माना जाता है? नहीं, नंबर एक तो हम नहीं कहेंगे अपने आप को, बस कुछ अच्छा देने की कोशिश करते हैं इस ग्वालियर शहर को। जी मतलब मैं अगर ये पूछूं कि अनेजर शोरूम में क्या क्या क्वालिटी और क्या क्या वैरायटी है? देखिए दोनों ही हमारे पास भरपूर है, बट हमारा मेन मोटिव रहता है ग्राहक को एक अच्छी चीज़ अच्छे रेटों में पहुँचे, और हमारी टैगलाइन यही है, क्वालिटी क्लोथिंग फॉर क्वालिटी पीपल्स। यहाँ आपके यहाँ लेकिन क्राउड तो बहुत रहता है, आपकी तीनों चारों मंजिल में क्राउड बहुत रहता है। ठीक है, आपकी कृपा है गुड्डू भैया, ये तो बहुत बहुत या ये मतलब ये कहा जाए आपके कस्टमर्स का प्यार है, प्यार ही कह सकते हैं आप इसको। जो दर्शक अभी आपको सीधा देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में? कितने शोरूम हैं आपके? हमारे तीन या चार ब्रांचेस हैं, ये हमारी मेन ब्रांच है बाड़े मोर बाज़ार में, इसके अलावा हमारी दो और ब्रांचें गांधी मार्केट के अंदर हैं, एक मोर बाज़ार में भारत की रोड की साइड है। मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि हम शहर में आप लोगों को एक अच्छे उत्पाद अच्छे रेटों में देने की कोशिश करते हैं, इसलिए बस हमारे कस्टमर का हमको प्यार मिलता है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके यहाँ कोई शुभ कार्य है, कहीं आप पार्टी में जाना चाहते हैं, कोई गरीब अगर है, कोई गरीब है उसके लिए भी रहें जी यहाँ। सर हमारे पास साड़ियों में यहाँ पे स्टार्टिंग 200-225 रुपए से स्टार्ट है हमारे पास, और 40-50 हज़ार रुपये तक की साड़ी हम मेंटेन करते हैं रेंज। लहंगे हमारे पास 2000 रुपए से स्टार्ट हैं, तो आज ब्राइडल लहंगे लोग कहते हैं 10,000, 20,000, 30,000, हम आपको 3300 रुपए 3000 रुपए में भी ब्राइडल लहंगा दे सकते हैं, सिलाई के साथ, सिलाई भी उसकी हम ही करवा के देंगे, उसमें जितनी एसेसरीज लटकन वगैरह सब लगती है वो सब हम आपको लगवा के देंगे, और 3300-3000 रुपए में हम आपको कंप्लीट लहंगा देंगे। तो यहाँ से हमारे पास शुरुआत है, अभी आपके ऊपर है आपको कहाँ तक लेना है। आप एंगेजमेंट गाउन में आएंगे तो एंगेजमेंट गाउन हमारे यहाँ 2500 रुपए से है, कुर्ती हमारे यहाँ 300 रुपए से है। ये आपको विश्वास हुआ है क्या? अगर नहीं हुआ तो फिर उसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पर, जैसा यहाँ के ऑनर रजत अनेजा जी ने बताया है कि यहाँ के रेट्स के बारे में, क्वालिटी के बारे में, वैरायटी के बारे में, अगर ये कहा जाए कि फैशन, आपने कहीं कुछ देखा है और अगर आपको पसंद नहीं आया लेकिन यहाँ पे आपके आपको 100% पसंद आएगा, आपको केवल एक काम करना है, अगर आप वो फोटो या वीडियो तक में लाएंगे तो 100% आपको आपके पसंद की चीज़ यहाँ पे उपलब्ध मिल जाएगी। अनेजा मॉल ये मिलता है महाराजवाड़ा मोर बाज़ार ICICI बैंक के बिल्कुल बगल से, या अनेजा सन्स गांधी मार्केट, वहाँ तीन ब्रांच हैं और मेन ब्रांच अनेजा मॉल गांधी मार्केट ICICI बैंक के बिल्कुल पास में। क्या नाम है आपका? त्रुगा वैष्णवी राशि अग्रवाल। अरे कहाँ रहते हो आप? मैं किले गेट। और आप? मलगड़ा। और आप? सिकंदर कोंपू। आप तीनों अलग अलग, थोड़ा पास पास आ जाओ ना, नजदीक क्लोज हो जाओ। आज आप तीनों ने मेला एंजॉय कर रहे हो? हाँ, हाँ। कोई विशेष है क्या? हाँ, फ्रेंड का बर्थडे था इसलिए। कौन सी वाली फ्रेंड का है? आज आपका बर्थडे है? हाँ। अरे वेरी गुड, मैं ये थोड़ी पूछूंगा कितने साल के हो गए। अच्छा किस सन में हुए थे? सन तो पता नहीं है, सन भी नहीं मालूम, इसलिए कम पूछना चाहिए ना। हैप्पी बर्थडे है इनका। आपको किसी ने भेजा तो नहीं है ना इंटरव्यू के लिए? आप मतलब शो देखते हैं ना? मैं डेली देखती हूँ आपका, अभी मेले के आपके सॉन्ग चल रहे थे 3-4 दिन से, मैं डेली देखती। अरे वेरी गुड, आपने? हाँ। देखा है आपने? और मैंने नहीं देखा अभी। नहीं देखा? आज आप देखोगे? हाँ। आज आप 100% देखोगे। क्यों देखोगे? क्योंकि आज आपका इंटरव्यू है। वैसे यूट्यूब पे भी चलता है शो तो, है ना? आज आपका बर्थडे है तो मिलके कोई गाना सुनाएंगे क्या भाई? बर्थडे इनका तो भाई, तेरे को क्या परेशानी है, बर्थडे इनका है। ऑर्डर लेने आऊं केक का? निरंकारी बेकरी पे काम करने लगा हूं ना मैं आजकल। तो यार बर्थडे इनका है, तू निरंकारी बेकरी से ऑर्डर लेने आया है? अरे मेरी बहने है ना ये पिंकी है, ये चिंकी और ये डिंकी। ये सही बता रहे नाम? ये नहीं झूठ बोल रही है, अपने नाम बदल के बता रही, घर पे पता नहीं पड़ जाएगी मेले घूमने आई है, घर पे बोल के कोचिंग जा रहे हैं। ये नाम नहीं है, हम तो घर पे बोल के आए हैं। 15-15 रुपए दूंगा। हाँ बोल लो। नहीं हमें नहीं, 15-15, 1-1 हज़ार रुपए दो तो हम ले बोल भी रहे। 1-1 हज़ार डन पक्का? अभी दो तब बोलेंगे। अरे अभी थोड़ी दूंगा, तो जेब में थोड़ी, ATM तक जाना पड़ेगा मुझे। तो लेके आओ, लेके आओ पहले। चाकू है तुम पे? चाकू हाँ है ना, अंकल की गर्दन पे रख दो, 3000 तो। मतलब वो भी इनसे काम कराएगा? बाबू यार काम करने दे। अरे मैं पिट जाऊंगा ना भीड़ में, काम करने दे यार। चलिए मिलके कोई गाना सुना रहे तीनों। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना ये दिन कभी न आए, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना।
दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। वेरी गुड वेरी गुड। मैं भी आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दूंगा। बहुत अच्छा आपने सॉन्ग सुनाया है। आप बर्थडे भी सेलिब्रेट करूंगा अभी आपके साथ में। चलिए नाम भाई साहब। शरद शर्मा। शैलेंद्र सोनी। अच्छा आप कहाँ रहते हैं? घासवंडी। और आप? बिना नगर। आप घासवंडी और आप बिना नगर, दोनों फ्रेंड हैं आप? फ्रेंड है। आज आप मेला एंजॉय कर रहे हैं? हाँ यस सर। कैसा लग रहा है मेला? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो ये टीवी पे प्रोग्राम आता है, ये भी देखते हैं? हाँ, देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं। यूट्यूब पे देखते हैं। कैसा लगता है साहब? बढ़िया लगता है। इंतजार था क्या 2023 के मिलेगा? हाँ पक्का। चलो दोस्त है तो फिर दोस्ती में तो फिर एक गाना तो बनता है साहब, दोनों का एक कोई मिलके गाना सुना दो साहब। प्यार दिलों का मेला है, ये दिल क्यों अकेला है, जाने क्या हुआ है, जाने क्या हुआ है, जिया बेकरार धड़के दिल बारे बार। अरे वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा कितने बच्चे हैं आपके? एक। और आपके? तीन। आपके तीन हैं, आपके एक बच्चे। आप दोनों की शादी हो गई है? नहीं, बिना शादी के तीन हो गए। चलिए मैं भी आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देता हूँ। सर नाम आपका? रजनीश। और आपका? नेहा। अच्छा कहाँ रहते हैं आप लोग? आदित्यपुरम में। आदित्यपुरम एयरफोर्स में? हाँ। ओके, तो एयरफोर्स में भी हमारा ये टीवी शो चलता है, देखते हैं? नहीं मैंने इससे पहले नहीं अभी नहीं देखा, लेकिन अब देखेंगे आप। एयरफोर्स में वैसे केबल कनेक्शन नहीं होगा शायद आपके? नहीं नहीं, अंदर तो रहता ही है, ये चक्कर तो बाहर रहता है। अच्छा आप ज्यादातर बाहर रहते हैं, लेकिन यूट्यूब पे तो चलेगा? यूट्यूब पे हाँ, अब जरूर देखेंगे। चलिए क्या मतलब क्या मिलके सुना रहे हैं? कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? एक साल हो गया। एक साल हो गया। आपका मायका कहाँ है? हिसार में। और आपका मायका? मेरा तो घर है जींद में। तो ये मायका हुआ ना। अच्छा आपकी ससुराल कहाँ है? जींद। दीन है ससुराल। और आपकी? मेरी हिसार। अच्छा आपकी हिसार है, मतलब ससुराल है, मायके अलग अलग है ना आप दोनों के? तो वही। अच्छा मिलके कुछ सुना रहे हैं आप? तुम जो आई जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। वेरी गुड। अच्छा आपने आपकी अब मैरिज हुई थी और रिलेटिव्स भी आए थे आपकी शादी में, याद है आपको? हाँ जी। आपने बुलाया? बिल्कुल बिल्कुल। तो फुफिया ससुर के साले के जो लड़के हैं उनको आपने बुलाया था? फुफिया ससुर के साले के लड़के, आप समझ पा रहे हैं? मेरे बारे में बात हो रही है ना? नहीं, ये मैं इनसे भाभी से पूछ रहा हूँ कि फुफिया ससुर के साले के लड़के आपको मालूम है कौन लगेंगे आपके? अच्छा आप सोचो, मैं आपको गिफ्ट दूंगा जब तक। मैं आपसे पूछूंगा, आज आप मेला एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ एक। हाँ जी नाम? मधु। राजन। आज आप लोग पड़ोसी हैं? नहीं, रहते घूमने आए, एंजॉय करने आए। एंजॉय करने आए? कहाँ रहते हैं आप? मैं ठाटीपुर में रहता हूँ। और आप? ठाटीपुर में। ठाटीपुर में? आप भी ठाटीपुर में रहते हैं? हाँ। किस जगह रहते हैं ठाटीपुर में? नेहरू कॉलोनी में। और आप? मैं भी नेहरू कॉलोनी में रहता हूँ। नेहरू कॉलोनी मकान नंबर 44B। 44B। और आपका? 44B। आप पड़ोसी हैं क्या? हाँ एक ही घर में रहते हैं पड़ोसी दोनों। किराएदार मकान मालिक है क्या आप लोग? सच में पूछ रहा हूँ। नहीं। कौन है फिर? कौन है आपके? ये मिस्टर है, मैं तो पहली बार में बता देते हैं आप मिस्टर हैं, ये पहली बार में बता देते। आप सब मेला एंजॉय कर रहे हैं? कितना साल हो गया भाभी जी के साथ? 28 साल हो गए। मैं मेले की बात कर रहा था, आप उम्र की बता रहे हैं। तो 28 साल से आ रहे हो ना भाभी जी के साथ मेले में? लगातार 28 सालों से आप मेला देख रहे हैं। कहाँ है आपका मायका? कहाँ है? मुरार में। मुरार। और आपका मायका? दानौली में। दानौली मायका है आपका। और आपका मुरार में है? आपकी ससुराल? दानौली। और आपकी? मेरी मुरार में। अच्छा तो ससुराल है, मायके अलग अलग है ना? हाँ। ये सबसे अच्छी बात है, वो ससुराल और मायका आप दोनों का अलग अलग है। तो कुछ मिलके सुना दीजिए, नहीं कुछ तो सुनाना पड़ेगा। अच्छा आपने 28 साल शादी को हो गए, याद है कि नहीं आपसे पूछ लेता हूँ, फुफिया ससुर के साले के लड़के आपने बुलाए थे शादी में? क्यों नहीं बुलाए होंगे? बुलाए थे आपने? पक्का? पक्का। जानते हैं आप उनको? हाँ जानते हैं ना। कौन है वो? अब जाओ भी कहीं रहते हैं? नहीं नहीं, अगर वो बाई दबे जैसे अभी भैया साथ में है और फुफिया ससुर के साले के लड़के अगर अभी आपके पास आ जाए
और आपसे कही कहाँ इनके साथ घूम रहे मेरे साथ चलो मैं आपको मेला घुमाता हूँ, आप क्या करोगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम भी मेले चले जाएंगे उनके साथ में ही। और आप जानते हैं उनको? हाँ, क्यों नहीं, पक्का जानते हैं। जब मेले में ही आए हैं तो फिर उन्हीं के साथ मेले भी तो घूमने जाएंगे ही ना। नहीं, फूफी ससुर के साले के लड़के कौन होंगे मालूम है आपको? लो बेटे ने बोल दिया, साथ में खड़े हैं। अच्छा, ये साथ में खड़े हैं। अच्छा, टीवी पे प्रोग्राम देखते थे? हाँ जी। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। सच में आपने देखा टीवी पे प्रोग्राम? लगातार इंतजार करते रहते हैं जी। क्या कि घर जाने पर रात में उसको चला के देखते हैं, किसी ना किसी चैनल पर जरूर चलता है ये। अब तो देखिए पूरे मध्य प्रदेश में जो दर्शक अभी जुड़े, मैं आपको बता दूं सिटी केबल LCN के माध्यम से आओ मेला चले, आप पूरे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे, मध्य प्रदेश के 19 जिलों में और साथ में पूरे ग्वालियर में विन ग्वालियर हैद पे 868 नंबर चैनल पर, डैन 156 नंबर चैनल पर, डिजियाना 91 और 123 नंबर केबल टीवी चैनल पर, GPTL पर 50 नंबर, एशियन नेटवर्क पर 50 नंबर, ग्वालियर के समस्त केबल पर, ग्वालियर में भी सिटी केबल 87 एशियन नंबर, और उसके साथ में यूट्यूब, सिर्फ इतना करना है आओ मेला चले, आपको टाइप करना है आओ मेला चले और फिर आपको आपका कार्यक्रम मिल जाएगा। साथ में प्यार की गाड़ी मुझे रोके ना कोई, मैं चली। इधर आइए। गाना गा रो गा रही है, खड़ी हो के मैं गाना ही गाती हूँ। ये गाना गा रही है और ये मांग रहा है, क्या बिजनेस है क्या तुम दोनों का? नहीं, ये गाती है मांगता है। ये क्या कर रहा है भाई साहब? ये कौन है यार? अरे वो कर रहा है, वो मॉडर्न नया जमाना आ गया ना, नया वो कर रहा है, क्या कहते हैं उसको, मॉडलिंग कर रहा है ये, एडवर्टाइज कर रहा है किसी चीज का भाई। ओए ओए कपड़े वपड़े बाहर नहीं लगाइए ये बीच में मैं हंसाते रहेंगे, ये खड़े हो जाओ, ये गोविंदा है और इधर आओ, ये ऋतु भार्गव, ये आओ मेला चलेगी टीम, मैं आपको बीच बीच में इंट्रोड्यूस कराते जा रहा हूँ और ये निकल जाओ और ये हमारा ये भाभी जी के साथ में जानने रिश्तेदार है मेरे, ये मेरे मामा है ना। हाँ। उनके जेठ है ना, मामा के बड़े। हाँ। उनकी छोटी सास है। हाँ। सास के तीसरे हस्बैंड के चौथे नंबर के अंकल के बेटे के छोटे भाई है और ये इनकी क्या नजदीकी रिश्तेदार है हमारा। बहुत क्लोज रिश्तेदारी अंकल हमारी। और ये मतलब ये डकार भी लेते ना तो हमारे घर पे आ जाती है आवाज। हाँ, और कभी इनकी लड़ाई होती है ना घर पे, बर्तन बर्तन फेंकते हैं ना, तो मैं बड़े मजे लेता हूँ। अपने घर में आ जाते हैं बर्तन। मतलब क्या करते? जानता हूँ ना इनको मैं, तो इनके घर में कोई भी बात होती है ना, ये कौन है? जैसे कल ये लोग आपस में बात कर रहे थे, आंटी ने बोला खाने में क्या बना रहे हो, अंकल कह रहे रुक जा पहले पोछा लगा दे। सॉरी घर की बात बाहर आ गई, काम करना पड़ता है भाई साहब, घर पे सबको काम करना पड़ता है। हाँ, ये मेरे दोस्त हैं, दोस्त हैं, उसके मामा हैं, उसके मामा के तीसरे नंबर के बेटे हैं। अच्छा। हाँ, इनको नहीं जानता मैं, ये पार्किंग में गाड़ी लगा रहे थे और ये भी लगा रही थी, तो इनने बोली मैं अकेले घूमने आया, तो दोनों ने एक दूसरे घाट पकड़ लिया, घूम रहे हैं अपने का क्या मतलब। अच्छा, ये चक्कर है। हाँ, इनकी शादी थोड़ी हुई है। इनकी शादी नहीं हुई? नहीं, इनकी शादी नहीं हुई है। मतलब जो तेरे को शादी में नहीं बुलाएगा उनकी शादी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं हुई, आपकी भी नहीं हुई। अरे आप, मैं आया नहीं था ना, मैं क्या करूं, मैं उस समय था ही नहीं। तो मतलब जो तेरे को शादी में नहीं बुलाएगा उनकी शादी नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई, मेरे पापा मम्मी की भी नहीं हुई, उनने भी नहीं बुलाया था, क्या करूं मैं। और इनकी भी नहीं हुई? नहीं, इनकी तो हुई, इनकी शादी में बाजा वाला गया था मैं, बाजा वाला गया था मैं। 28 साल? नहीं, मैं दूसरी वाली में गया था, आपको नहीं पता वाली, पहली वाली में नहीं गया, पहली वाली में जानता ही नहीं हूं, दूसरी अभी 7 साल पहले करी थी इन्होंने, ये गार्डन में पीछे। राजा भाई बीच बीच में क्या, किसी को भी अपने को आके करना नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ। तो चाटा क्यों मार रहे हो? तो किसी की भी शादी उनकी, तू दूसरी शादी करा रहा है? मेरे दाल में बाल तोड़े आप समझो, तेरी
और सुन जा बात सुन क्या जा अच्छा चलो ठीक है फिर बात सुन। अरे यार मैं क्या आपको क्या पागल आदमी दिख रहा हूँ क्या? मेरे काम धंधे बड़े बड़े काम है मेरे, ये चक्कर है काम तो आपका दिल लग जाए इसलिए मैं आ जाता हूँ दो चार मिनट। अच्छा क्या बीच में तो नहीं आएगा ना? अब नहीं आऊंगा पक्का। एक मिनट ये बुलाएंगे तो भी नहीं आऊंगा। खुजली क्यों हो रही है मेरे को? अच्छा खुजली हो रही है, पीछे भी देना पड़ेगा क्या? पीछे कहाँ पे? नहीं 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 बाबू खुजली यहाँ पे नहीं नहीं मेरी बात। अरे हाथ डाल के खुजा दो तो जाऊँ मैं। वो तेरे पास पीए भी तो है? अरे पाउडर डाला है, किसी ने कुछ हरकत करी है मेरे पीछे। अच्छा पीए बाहर है अभी, कल आ जाएगा पी के। मनोज काम करते हो क्या? मेले में? मेले में नहीं, दिल्ली में। दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हो? दिल्ली से मेला घूमने आए हो? मेला घूमने आए। विद्या रानी कसम दिल्ली रहते हो? दिल्ली रहते विद्या रानी कसम। पक्का? पक्का। तो यहाँ काय के लिए आए हो? मेला घूमने। दिल्ली में भी तो लगता है प्रगति मैदान का? लगता है, ये मेला अच्छा है, आपका शो अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा शो में आते हो आप हर साल? अब दिल्ली निकल जाओगे? दिल्ली निकल जाओगे। पक्का एकदम? पक्का एकदम। तो क्या सुनाओगे? नाना पाटेकर की आवाज। नाना पाटेकर की आवाज, वाह। नाना पाटेकर की आवाज बहुत बढ़िया। आ गए सब लोग मेरी दुनिया का तमाशा देखने इस मेले। आ गए सब लोग मेरी दुनिया का तमाशा देखने। क्या कर रहा है? सुना रहा हूँ। अच्छा बहुत देर से देखा था, सब लोग आगे पीछे हो रहे थे, मना किया था मत आओ, घुस गए भीड़ के अंदर, फिर बोलते नाना बचा लो। लाओ इसके 10 अलग से हो गए। अच्छा और किसकी आवाज? और उसकी गोविंदा की। गोविंदा की इंसान को इतना मजबूर कर देती है भैया। अपनी नहीं गोविंदा की पूछ रहा था मैं। अच्छा धर्मेंद्र की? सारी सुना देता हूँ। अरे धर्मेंद्र की बात सुना। धर्मेंद्र की नहीं, सारी सुना देता। अरे पापा जल्दी से धर्मेंद्र बन जाओ। जानता नहीं है कौन है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र मेरे को ना धर्मेंद्र दिख रहा है बाबू। ये मोहल्ले वाले वो क्या नाम है उनका अंकल का, उनकी संजय था, ये आवाज निकाल रहा है। ये मेरे को सही बता रहा हूँ, ये मेरे को कोई वास्तव में दिल्ली रहते हो? हाँ दिल्ली रहते हैं। दिल्ली रहते हैं? हाँ दिल्ली रहते हैं। मैं सिंगापुर से आया हूँ। अगर ये दिल्ली से तो मैं सिंगापुर से हूँ। ये डबरा में रहते हैं। कहाँ रहते हो? डबरा दिल्ली। वो तो दिल्ली की बोल रहा है, डबरा रहता है, झूठ बोल रहा है। रहता हूँ। चलो मैं आपको कुछ ना कुछ। हाँ आइए साहब, आइए इधर आइए, इधर आइए, पास में आइए। आप कहाँ सर मारे अब तो? हाँ हो गया काम तो? आज तो आप इनके साथ मेला घूम रहे हैं, कौन है ये? ये मिसेज है हमारी। आपकी मिसेज है? ये कौन है? कौन? हस्बैंड है। हस्बैंड है? कितने सालों से? 65 साल हो गई। 65 साल शादी को हो चुके आपकी? आप दोनों की शादी को 65 साल, मतलब 50 आप कंप्लीट करके 65 चल रही है आपकी। वाह एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए भाई, घर बैठे भी ताली। तो आपके पास एक बहुत लंबा अनुभव है ग्वालियर के व्यापार मेले का, कितने सालों से मेला देखते हुए आ रहे हैं आप? जब से कम 15-16 साल के थे जब से देख रहे हैं तब से। अब 75 की उम्र हो गई। ओके तो मतलब मेले को किस तरीके से बदलते हुए आपने देखा है, मतलब क्या? पहले तो गायों वगैरह भैंसों वगैरह इनकी वो लगता था, उससे स्टार्टिंग हुआ और फिर बढ़ते बढ़ते अब बहुत ज़्यादा उसमें हो गया। चलिए यहाँ तक मैं, मुझे लोग बताते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, काजू बादाम और पिस्ते की यहाँ पे दुकानें लगा करती थी। पुरानी छावनी में ये मेला लगा करता था। हाँ पुरानी छावनी के बाद ये मेला यहाँ पर मोती झील से ये नहीं, मेला ये तो हमने नहीं देखा। अच्छा। हमने तो यही देखा। नहीं मैंने भी नहीं देखा मोती झील का, तो मैंने तो केवल सुना मोती झील का, तो आज तक मैंने भी नहीं सुना है। चलिए कोई बात नहीं है। तो ये मेला यहाँ पर ये मेला ग्राउंड की यही है ये घर। अच्छा आप मेला ग्राउंड से यही है आपका? मायका है। मायका यही है। तो आप तो बचपन में खूब पैदल छोटेपन से ही मेले में ही रहे हैं। पिताजी ठेका लेते थे मेला का। अच्छा ठेका लेते। चलिए अब एक काम करो साहब, वो तो सब ठीक है, दो साथ में हो, बड़ी मुश्किल में अकेले हो कि बच्चे भी आए हैं? नहीं बच्चे नहीं आए, अकेले अकेले। यही बस्ती की लाइफ है।
कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 8 बच्चे हैं। 8, और आपके कितने बच्चे हैं? 8, और कब अलग है? शादी हो गई आपकी? सबकी शादी हो गई। नहीं, आपकी भी हो गई है? शादी हो गई, जब तो बच्चे हुए। टीवी पे भी देखते हैं आप प्रोग्राम? हमने तो हमारे वैसे ये है टीवी, वो देखते। देखा है आपने? आपने भी टीवी पे तो देखा है मेले का। चलिए मिलके कोई गाना सुना दो साहब, इनके ऊपर कोई गाना सुना दो। सुनाते हैं ना गाना? सुना दो साहब, गाना सुना। तुझे और क्या दूँ मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए। है, 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 है। क्या बात है साहब, बहुत शानदार। चलिए कुछ ना कुछ मैं आपको उपहार देता हूँ अभी, कुछ ना कुछ मैं आपको कुछ ना कुछ उपहार देता हूँ। आज आपका बर्थडे है ना? हाँ। चलिए रखिए। सिद्धि, ये अनेजा मॉल मालूम है ना? गांधी, राइट राइट राइट, गांधी मार्केट। हाँ, मोर बाजार, बाजार आईसीआईसीआई बैंक के सामने, बगल में है एकदम। हाँ, बगल में से। ठीक है ना? महज 2000 रुपए से लहंगा चालू है उनके। हाँ, 2000 रुपए से वहाँ पे ना सब चीज मिलती है, मतलब दुल्हनों के लहंगे मिलते हैं और मतलब उनकी जो फ्रेंड्स की ना जो फ्रेंड्स होती है उनके लिए 225 रुपए से साड़ी चालू हो गए, 20,000-25,000 तक की। रखिए आपके लिए, रखते जाइए। एक आपके लिए अनेजा मॉल से गिफ्ट है, मैं सबको दूंगा अभी कुछ ना कुछ। रखिए, एक आपके लिए भी, आप दोनों फ्रेंड हैं, एक आपके लिए भी अनेजा मॉल से, आप हस्बैंड वाइफ। रखिए आप दोनों के लिए, ये कंबाइंड में दे रहा हूँ। एक आपके लिए भी है अनेजा मॉल से है, आपके लिए भी, आपको भी मैंने आपको अनेजा मॉल से, एक आपके लिए भी, इधर आइए ना पास में आप इनके, एक अनेजा मॉल से आपके लिए और है। एक एक मैं आपको और देता हूँ। आपकी अगर किसी बहू के बाल झड़ रहे हों या नाती पोतों के बाल झड़ रहे हों, बाल झड़ने की एक बहुत बड़ी आपके तो देखिए, उसमें भी मैं गारंटी लूंगा कि बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। एक आपके लिए है केश अमृत, रखिए, ये जेल है, अभी मैं और बताऊंगा तो आप सुनिए। एक आपके लिए भी रख लो, ये केश अमृत एक आपके लिए देता हूँ। बाल झड़ने की समस्या आ रही है सबसे ज्यादा, आती आप आगे आ जाओ, आपको जरूरत ज्यादा लग रही है। मैं यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ मेरे, ये देखिए आप पहले यहाँ आ गए हैं क्या? जब इस एज में मेरे आ सकते हैं तो यंगेस्ट के ये मैं बहुत लेट हो गया। मैं यूज कर रहा हूँ और 100% मुझे फायदा मिला है, अगली साल में और पक्का बात करूंगा। देखिए केश अमृत, रखिए ये आप देख लीजिए, केश अमृत है इसमें, जैसा अगर जब ज्यादा किसी के बाल झड़ रहे हैं तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर जेल है, 15 दिन लगातार मालिश करनी है जेल की, लगा के सो जाइए, दिन में तेल लगा लीजिए, 10 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा। मैं यहाँ जितने मैं दर्शकों को दे रहा हूँ वो दर्शक आके बोलेंगे कि हाँ इसका रिजल्ट आ रहा है, बाजार में हर शॉप पे उपलब्ध है केश अमृत। आपके लिए भी बाल झड़ने की समस्या अगर है, गारंटी है मेरी जो मैंने बताया है उस तरीके से आप यूज करिए, आपके लिए भी है केश अमृत ऑयल है, एक हर शॉप पर ये आपको उपलब्ध है। रखिए आपके लिए भी है केश अमृत है, आपके लिए भी है, ये बाजार में हर शॉप पर मिल जाएगा, ठीक है ना? और एक आपके लिए भी है, ये केश अमृत रखिए, एक जेल है और एक ऑयल है, रखिए एक आपके लिए भी रखो बेटे, आपका बर्थडे है, बाल झड़ने की समस्या है ना? हाँ, बहुत। आप इसको जब यूज करोगे ना, जब आप सेकंड टाइम मेरे पास आओगे 10 दिन बाद, आप मुझे आके अपने आप बोलोगे कि गुड्डू भैया ये बहुत रामबाणशील है। भाई साहब साइड इफेक्ट की गारंटी मेरी है, ये टोटल हर्बल है, जिसके बाल झड़ रहे हैं इसके अंदर जेल है, जेल से थोड़ा सा रफ करना, सुखा लेना है, मतलब कैसे क्या मॉर्निंग है नाइट, रात को जेल लगा लीजिए आप अंदर, बढ़िया तरीके से रफ कर लीजिए, रफ करने के बाद आपने लगा लिया, उसके बाद सो जाइए, सुबह उठते हैं तो कोई भी तेल किया ये तेल लगाइए। मेरी फैमिली ये तेल यूज कर रही है, उससे पहले हम लोग कुछ और यूज करती थी फैमिली, लेकिन इसने बाल झड़ना टोटल रोक दिए। केश अमृत बाजार में हर जगह उपलब्ध है। कहाँ पर है ये सिद्धिविनायक? सिद्धिविनायक ज्वेलर्स, ये तो मुझे याद नहीं है, चिटनिस की गोट, साबुन वाली गली, राइट, एग्जैक्टली। अब इनका दूल्हा घर स्पेशल बन गया। एक आपके लिए हैप्पी बर्थडे, एक आपके लिए भी है। इनके यहाँ क्या क्या किराए पे है? इनके यहाँ लहंगे, ज्वेलरी, शेरवानी और मतलब साड़ी बना जो भी सब, मतलब शादी टॉप गाउन, हाँ मतलब जिसके यहाँ वेडिंग हो वो अच्छी रेंज में उनको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। वेरी गुड, आपको याद, एक आपके लिए है, आपके लिए भी है साहब, ये सिद्धिविनायक ज्वेलर्स, एक आपके लिए सर, आपके लिए। कोई भी ओकेजनली फंक्शन होता है, अगर आप
किराए का लहंगा, क्रॉप टॉप, गाउन वगैरह लेना चाहते हैं, इसमें कार्ड भी लगा हुआ है, चिटनी सी कोट महाराज बाड़े के पास, ठीक है ना, वहाँ से आप ले सकते हैं। आपके लिए भी है साहब सिद्धि विनायक ज्वेलर से, रखिए एक आपके लिए भी रखो सिद्धि विनायक ज्वेलर से, और एक आपके लिए भी है सिद्धि विनायक ज्वेलर। आपके लिए बर्थडे है ना, निरंकारी बेकरी से रखिए एक आपके लिए। ये कहाँ पर है निरंकारी बेकरी? जनगंज में। एक मिनट आप शांत रहिए, शिवाजी गंज पुल के पास? नहीं, अरे नहीं, ये हनुमान चौराहे के आगे पास में है, और ग्वालियर के व्यापार मेले में भी है, लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने है। नहीं नहीं, लक्ष्मी नारायण मंदिर से पहले है। अच्छा अच्छा, भाई साहब आपको नहीं मालूम, आप शिवाजी गंज, मेरी बात आप शांत रहिए। हनुमान चौराहा और सिल्वर स्टेट। अच्छा अच्छा, और यहाँ देखिए छतरी नंबर 3 पे ही खड़े हैं, पीछे निरंकारी बेकरी है। अच्छा अच्छा, अभी मैं आपको उनका एक बड़ा गिफ्ट दूंगा, एक आपके लिए रखो बेटे निरंकारी बेकरी से, एक आपके लिए भी है। आपने अच्छा बताया है निरंकारी बेकरी का, और इनका टोस्ट पूरे मध्य प्रदेश में जाता है, नमकीन इनके पूरे मध्य प्रदेश में जाते हैं। रखिए निरंकारी बेकरी, एक आपके लिए निरंकारी बेकरी से है, आपके लिए भी है। आपने जनागंज में निरंकारी बेकरी आपने यूज किए इनके प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया। और यहाँ 3 नंबर छतरी पे इनका स्टॉल है, इनके यहाँ देखिए पिज़्ज़ा और जितने भी आइटम्स आते हैं बेकरी से रिलेटेड, आप एक बार इनका टेस्ट करके देखिए। अब जो नमकीन भी बनाते हैं? जी हाँ, एक आपके लिए रख लो निरंकारी बेकरी से, एक आप दोनों के लिए निरंकारी बेकरी से। बड़ा है, आपने बहुत कुछ अच्छा बताया है, निरंकारी बेकरी से आपके लिए ये जम्बो पैक और है। और पद्मश्री चाय कहाँ मिलती है थोक में? ये हर शॉप पे मिलती है, हर शॉप पे मिलती है, और 250 ग्राम पैक के साथ एक चम्मच फ्री मिलती है। आपकी काय की दुकान है यहाँ? नहीं, हमारी दुकान है, मतलब ऐसे ही आए मेरे। दो मिनट में उनसे पूछ लूँ, आपको मालूम है अच्छी चीज है, लीजिए मैं आपको भी देता हूँ, रखिए। अब आप शांत रहेंगे, कहाँ पे थोक में? कहाँ पर थोक में इनका? हजीरे? नहीं, नया बाजार में। कहाँ पर है? नए बाजार चौराहे पे, RRT कंपनी नया बाजार से है। ये हाई ग्राउंड चाय है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, जब आप ये चाय पियेंगे ना, हल्के टाइप का भी दूध होगा, जब आप ये चाय मिलाएंगे, आप चाय पीते समय बोलेंगे कि हाँ पद्मश्री। एक आपके लिए पद्मश्री चाय से, आप सबके लिए भी मैं देता हूँ पद्मश्री चाय से, रखिए एक आपके लिए, आपके लिए भी है, एक आपके लिए भी है पद्मश्री चाय से, एक आपके लिए पद्मश्री चाय से है, आपके लिए भी है पद्मश्री चाय, RRT कंपनी नया बाजार से, एक आपके लिए है, और एक आपके लिए भी, एक एक और आप सबके लिए है। यहाँ मेरे पास अनेजा मॉल, एक आपके लिए है, लेकिन मैं आपको एक गिफ्ट और दे देता हूँ, आज आपका बर्थडे है। हाँ। ये जो मैंने दिया है केश अमृत, इसकी थोड़ी सी क्वालिटी बता दीजिए, अभी मैंने बताया है, ये किस काम आता है? कौन सा वाला? ये केश अमृत ऑयल दिया है, ये बालों की काम आता है, अभी ये बाल जैसे कि झड़ रहे हैं ना, उसके काम आता है। पक्का? हाँ। मतलब जिसके बाल झड़ रहे हैं? हाँ। ये रात को क्या करना है उसमें? जेल, जेल फिलहाल जेल लगाना है। बताया है केश अमृत की तरफ से, आज आपका बर्थडे भी है, और पहले दिन ही आपने बता दिया है। अब आपको लग रहा है आपको बर्थडे? हाँ। अब लगने लगा? हाँ। इनको थैंक यू बोलोगे आप? आपको भी बोलोगी, इनको बोलना पड़ेगा ना, आप लेकर आए ना। चलो एक एक आपके लिए अनेजा मॉल से, और रखिए अनेजा मॉल से, एक आपके लिए अनेजा मॉल, ये महाराज बाड़े के पास, गांधी मार्केट, ICICI बैंक के बिल्कुल इनके देखिए महज 225 रुपये से साड़ी चालू है, और फिर आपकी नीड जितनी कंप्लीट करती है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, एक बार अगर आप शोरूम में गए तो मैं गारंटी ले रहा हूँ वापस नहीं निकल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी और वैरायटी, 4 मंजिल का शोरूम। एक आपके लिए भी अनेजा मॉल से, रखिए आपके लिए है, और एक आपके लिए भी, आपके लिए उपहार है। चलिए मैं इधर आप पूछ पाछ के और दे देता हूँ इधर। हाँ साहब, सर कौशिक जी, एक आपके लिए पद्मश्री चाय से, एक आपके लिए उपहार है। इधर इधर आइए आंटी जी, आइए। क्या नाम है आपका? उषा शर्मा। आप TV पे देखा प्रोग्राम? एक आपके लिए रख लीजिए पद्मश्री चाय से, आइए आगे, आइए आगे आओ। क्या नाम है आपका? शिवानी बघेल। कहाँ रहते हैं? जबलपुर। जबलपुर, ये TV पे शो देखा आपने? हाँ देखा है। देखा है, अब तो आपके जबलपुर तक चलेगा। इधर आइए आगे, आइए सिटी केबल LCN चैनल पर। हाँ। एक आपके लिए रखिए पद्मश्री चाय से, एक आपके लिए। इधर क्या नाम है आपका? वर्षा गोयल। अच्छा, प्रोग्राम देखा आपने TV पे? हाँ, आओ मेला चले। हाँ, एक आपके लिए भी रखिए, आज पहला दिन है, पद्मश्री चाय से आपके लिए।
आइए दोस्तों चलते हैं यहाँ से एक बार निरंकारी बेकरी, ये छतरी नंबर 3 पे यहाँ मौजूद है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, निरंकारी बेकरी जनगंज और सिल्वर स्ट्रीट, ये ग्वालियर के व्यापार मेले में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आए हैं। ग्वालियर के व्यापार मेले में इनके यहाँ देखिए ये मफिन केक है। ये तो बहुत ही ज्यादा लजीज दिख रहा है। देखिए निरंकारी बेकरी। अच्छा, अभी ग्वालियर के व्यापार मेले में क्या क्या आइटम अपने यहाँ अवेलेबल है? अपने यहाँ पिज्जा है, सैंडविच है, और मूज है, और पेस्ट्रियाँ हैं। बेकरी के सारे आइटम हैं हमारे। बेकरी के सारे आइटम हैं जी, जो वहाँ मिलते हैं वहाँ वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ में ये स्पेशल क्रीम रोल इनका, ये बड़ा मतलब ये चॉकलेट वाला क्रीम रोल है। ये मध्य प्रदेश नहीं, हाँ मध्य प्रदेश बोल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बनाती है निरंकारी बेकरी। और साथ में पिज्ज़ा यहाँ पर इनका, देखिए पिज्जे पे ये चीज़ लगाते हैं, ये इनका बड़ा शानदार है। यहाँ पर बेटू आप टेस्ट कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, सच में अच्छा लग रहा है। हाँ। ये निरंकारी बेकरी ग्वालियर के व्यापार मेला आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि एक बार छती नंबर 3 पर आए और घूमते घूमते अगर आप बगल में ही, ये धर्मेन टी स्टॉल है अपने धर्मेन भैया की, ये चाय, ये कुल्लड़ वाली इनकी स्पेशल चाय है धर्मेन भैया की। वही स्वाद वही जाएगा, वही स्वाद है वही चाय है, वही रहेगा। ये कुल्लड़ वाली चाय स्पेशल ये मिलती है बिल्कुल छती नंबर 3 निरंकारी बेकरी और धर्मेन टी स्टॉल बिल्कुल अगल बगल में है। अगर आप थोड़ा सा थक गए हैं, आपको लग रहा है थकान हो रही है, आइए धर्मेंद्र भाई के यहाँ इनकी। चलिए चलते हैं यहाँ से सीधे बाबा सूप कॉर्नर और अमेरिकन सॉफ्टी स्टॉल पर। बाबा सूप कॉर्नर और अमेरिकन सॉफ्टी, मैं पूछूंगा 2023 पहले तो स्वागत आपका इस कार्यक्रम में, इस बार के अमृताओं मेला चले सर। बहुत अभी आपका सर आज से ही प्रोग्राम चालू हुआ है, लेकिन मैं 15 दिन से परेशान हूँ, 15 दिन से, जिस दिन से मैं दुकान खोली है उस दिन से सभी लोग यही पूछ रहे हैं कि गुड्डू भैया कब आएंगे। अब आप आ गए हैं, बस बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी जो सूप के बारे में पूछूंगा, 2023 में सूप के बारे में सर हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है, बहुत अच्छा सूप पसंद कर रहे हैं लोग। अच्छा, जो हमारे जो दर्शक हैं रेगुलर वाले जो आपको पसंद करते हुए आ रहे हैं, उनका प्यार आपको वही प्यार तो मिल रहा है, इसीलिए तो मैं 15 दिन से परेशान था कि वो आते थे और पूछते थे गुड्डू भैया कब आएंगे। देखिए मैं पुनः इसलिए बताता हूँ आपको, अमेरिकन सॉफ्टी और यहाँ पर ये इनकी जो अमेरिकन सॉफ्टी है, ये इसमें ग्लिसरीन नहीं मिलाते हैं मीठा करने के लिए, प्योर शक्कर की होती है। कितने फ्लेवर? सर 6 फ्लेवर है सर। 6 फ्लेवर में आपका गला खराब नहीं होगा, और साथ में ये जायकेदार सूप है, प्योर दूध की अमेरिकन आइसक्रीम, प्योर दूध की है। और कई लोगों ने इनकी टेस्टिंग भी करा ली है, लेकिन वो बेचारे वो फेल हो गए, ये फेल नहीं हो पाए क्योंकि ये उसमें सैक्रिन नहीं मिलाते हैं, टोटल मीठा करने के लिए शक्कर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप ग्वालियर के व्यापार मेला आ रहे हैं तो कहूँगा छतरी नंबर 3 पे बढ़िया अगर आप जायका लेना चाहते हैं, छतरी नंबर 3 बाबा सूप कॉर्नर, और यहीं इनकी मिलेगी बगल में अमेरिकन सॉफ्टी। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं 2023 के अमृताओं मेला चले यहाँ पे कॉन्सेप्ट की। और यहाँ पर देखिए आज मिक्सअप है, यहाँ पहला दिन है तो मिक्सअप है, हो सकता है कल से परसों से सुपर वुमेन सुपर गर्ल आप लोग यहाँ जैसे मौजूद रहेंगे उस तरीके से शो को आगे चलाएंगे। लेकिन मैं आपका परिचय कराता हूँ सबसे पहले, नाम आप? मेरा नाम अजय बंसकर। मेरा नाम मोहित गुप्ता। आप दोनों फ्रेंड हैं, आपका नाम? भागवत आचार्य वशिष्ठ महाराज। अच्छा, और आपका नाम? गीतांजलि सक्सेना। आपका? स्वाति कटी। पलक कुशवा। आप दोनों फ्रेंड हैं? यस। ओके, आपका नाम? शिवानी प्रजापति, दिशा प्रजापति। दोनों सिस्टर हैं? हाँ। ठीक है, आपका नाम? रुबीना। सबीना। दोनों सिस्टर हैं? चलिए, नाम आपका? अंजू डिंगरा। भीषम डिंगरा। आप दोनों? हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ है पक्का एकदम? नहीं नहीं 100% या मेले में बने हैं? नहीं नहीं, क्या बात है, क्या बात है, घर से ही बन के आए हैं? घर से, घर से। अच्छा, घर से। नाम? नरेश सोनी। सावी सोनी। ये हस्बैंड? और ये मिसेस? 100% मतलब मेले में तो नहीं बने ना? आप देख रहे हो ना, निशानी। अच्छा, ये निशानी बच्चा है आपका? अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे। 3 बच्चे? 3 बच्चे हैं। शादी हो चुकी है आप लोगों की? और परमानेंट हो चुकी है, पूछ रहा हूँ। आइए, ये दोनों दोस्त हैं जी, ये आओ मेला चले टैलेंट, इनके अंदर क्या है वो चीज? आप दोनों कोई बेस्ट फ्रेंड है ना? बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है। हाँ। कोई ऐसा टैलेंट आप दोनों के अंदर हो
कभी एक साथ जाते हैं तो लोग उसको देखते हैं, पसंद करते हैं, वो चीज बता दी। मतलब एक साथ जाते हैं, पसंद करते हैं। कोई भी टैलेंट ऐसा कि लोग इंतजार करते हैं, आ गए दोनों। हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे जो और भी दोस्त होते हैं वो बिल्कुल मौके का इंतजार करते हैं, आ गए दोनों साथ में। इनकी क्या है, बिल्कुल मोटू पतलू वाली जोड़ी होती है जो कार्टून आता है। कैसे है वो बताओ जरा, मोटू पतलू क्या है? मतलब इनके बिना मैं अधूरा हूँ और मेरे बिना जी अधूरे हैं। तो मोटू पतलू की तरह बोलते भी हो क्या? क्या नहीं बोलते, नहीं है बोलते नहीं है। मतलब हमारी जोड़ी क्या है, बढ़िया जोड़ीदार रहती है। मोटू पतलू? हाँ। तो दोनों ही पतलू पतलू टाइप के यार, मोटू कौन है? मोटू पतलू कैसे? अच्छा तुम मोटू हो? मैं मोटू, ये पतलू हूँ। आप मोटू हो, कहाँ से दिख रहे हो मोटू? थोड़ा हेल अब बढ़ा लिया, पहले कम था, अब थोड़ा ज्यादा। शादी हो गई क्या? अभी नहीं हुई, देख रहे हैं लड़की कोई मिल नहीं रही है। देख लो, कर लो भैया, नहीं एक्सपायर डेट में निकल जाओ। अरे नहीं नहीं बिल्कुल, अरे नहीं नहीं कर लो, देख रहे हैं। मैं भी नहीं, अभी भी क्या चक्कर है? दोनों साथ में ही करेंगे जो भी। एक ही से करोगे, अलग अलग? नहीं अलग अलग करेंगे। मतलब तो आपने बोला एक साथ करेंगे, तो मैंने कहा क्या ऐसा रहेगा, एक ही मंडप में दोनों देख लेंगे। तो भाई क्या, जल्दी से कोई गाना सुना दो, जल्दी से कोई भी एक गाना, जल्दी फटाफट। अच्छा हाँ, बढ़िया सुना दूं? जो अरे घटिया सुना दो, बढ़िया छोड़ो, अब बढ़िया लोगों को लगा। इन्ना सोना तेनु रब ने बनाया, इन्ना सोना तेनु रब ने बनाया, आवा जावा तेनु मैं बोलावा, इन्ना सोना तेनु रब ने बनाया। मेरे लिए सर क्या कह रहे हो बाबू राव? ये बाबू तारीफ कर रहा है आपकी। क्या कह रहे हो बाबू? दोनों लंगूर जैसे लग रहे हैं, पर गाना मेरे लिए सुना रहे हैं। अच्छा तारीफ कर रहे हैं आपकी। अच्छा तो कह रहा है गाना उन्होंने बहुत अच्छा। अरे हम तो कहीं भी जाते हैं तारीफ के काबिल ही रहते हैं साहब। इतनी तारीफ होती है इनके, इनमें पड़ते हैं हवा में घुस घुस के टमाटर पड़ते हैं इनके मुंह पे। अच्छा ये कह रहे हैं कि हाँ। जहाँ पार्टी में जाते आपके बिना पार्टी शुरू नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही रहता है, हम आ जाते हैं पार्टी, पार्टी के को चार चांद लगा देते हैं हम तो। और सर ये नहाते नहीं, कम से कम 12 दिन 13 दिन देखो आसपास के लोग नाक बंद करके खड़े। ये मैं बोल के रहूंगा, नहाते रोज है ये? अरे डेली डेली नहाते हैं, चाहे गर्म पानी से नहाए लेकिन नहाते रोज है। 10-15 दिन नहीं नहाते। अरे डेली गर्म पानी से नहाते हैं? नहीं नहीं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को बोला है कि 10-15 दिन नहीं नहाते। हाथ तो पलट गए एकदम, पलट गया मेरे को। लोगों का काम कहना है। अच्छा विद्या रानी कसम कहा नहीं बोला? विद्या रानी कसम, कसम तो तुम झूठी भी खा सकते हो भैया यार, पूरी तो सुन लो। मैं गर्म पानी से नहाता हूँ, चाहे गर्म से नहाऊं लेकिन डेली नहाता हूँ। मैंने बोला ही नहीं भैया, नहीं बोला मैंने। अरे तो क्या बोल रहे हो? पंडित जी हमारे साथ, पंडित जी हैं, नाम आपने? भागवताचार्य वशिष्ठ पंडित जी। वशिष्ठ पंडित जी, वशिष्ठ पंडित जी, कुछ ऐसा टैलेंट जो आपके अंदर छुपा हो बचपन से वो आज बाहर निकाल रही है? अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो जी हम गुरु को मनाए, गुरु का ध्यान करेंगे। सीता नाथ समारंभाम रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचारी पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। देखो चलिए पंडित जी, कोई टैलेंट की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, आप भागवताचार्य हैं, ये तो आपसे कोई आदि रात को भी जगा लेगा, पूछ लेगा तो आप बताए। टैलेंट कोई बचपन में आप क्या करते थे, कुछ ऐसा कोई टैलेंट आपके अंदर छुपा हो? बचपन में हम जो है पहले गांव में रहते थे। अच्छा हाँ गांव में रहते थे, शहर में तो बाद में आए, अभी 25 साल हुई है। तो गांव में इतना उद्यम करते थे, इतना उद्यम करते थे बचपन में कि हमारे पिताजी के पास में रोज शिकायतें आती थी, आज इसको पीटा उसको पीटा, ऐसे शिकायतें आती थी रोजाना। और इतना उद्यम करते थे और खूब गाँव में तो खेलते थे, पहले खूब खेल होता था, ठीक है ना। बचपन में बहुत काफी शरारत हुआ करती थी हमारी। ये तो सब करते थे, कोई टैलेंट थोड़ी हुआ जी, ये सारे बच्चे करते हैं। हमारे कन्हैया जी तो बचपन से ही वो प्रसिद्ध हुए हैं, वो तो शरारतें ही इतनी करते थे। हाँ जी नाम? मेरा नाम गीतांजलि। आप कोई ऐसी चीज हाँ जी जो आपके सर्किल में आपके जो भी रिलेशन में वो याद करती है? हाँ मेरी एक फ्रेंड है समता जैन, तो वो मेरी बहुत नियरेस्ट है और हम लोग जो है बहुत प्रेम करते एक दूसरे से, बहुत मतलब खास बहन जैसे। हाँ मैं, हमारी एक और फ्रेंड है अरुणा, उसकी एक्टिंग करके हाँ जी क्या है कि वो जिस गांव की भाषा बहुत अच्छी बोलती है, हालांकि यही ग्वालियर में शहर में रहती हैं हम, और एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन होता क्या है कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है। उसकी बिटिया जब नहीं पढ़ती है और या सुबह नहीं सो के उठती है तो कभी कहती बेटा उठ जा उठ जा, आराध्या उठ जा, वो कहती मम्मा उठ रही हूँ, वो कहती नहीं उठे, तू नहीं उठाएगा रुक जा, तेरा बाप भी उठाएगा।
मतलब एक 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 साथ ही एक पंथ दो काज हो जाए। हाँ, मतलब पिताजी को भी स्कूल भेजने का प्लान रहता है टोटल। अच्छा, ये और कोई ऐसी चीज आपकी बचपन की टैलेंटेड? हाँ, टैलेंटेड तो उससे कुछ नहीं, मेरा म्यूजिक का है, तो बस बाकी मेरा कोई टैलेंट। आप म्यूजिक में बहुत ज्यादा, कोई राग सुनाइए कोई राग। हाँ, मैं आसावरी राग सुना सकती हूँ। काना मोहे आसावरी राग सुनाए हने को आरु, सुनाए सारे गामा पधनी सा निधा पने मा पध प। काना मोहे आसावरी राग सुनाए। बहुत शानदार है, देखो यहाँ तो आपको ताली मिलेगी और घर पर बैठ के भी एक बार ताली बजा दीजिए। काफी आपका मतलब सदा हुआ जो गला लग रहा है, तो काफी आपने रिहाज किया होगा। हाँ, सीखा है आपने? सीखा है। हाँ, सीखा तो है, दिख रहा है, सीखा हुआ दिख रहा। हाँ, है भैया, बिल्कुल देख सीखा हुआ। पंडित जी, जीवन में एक बहुत अच्छी चीज होती है, आपसे बहुत छोटा हूँ, आपसे मैं कम से कम 27-28 साल छोटा रहूंगा, इतना तो मैं आपसे छोटा हुई। एक मेरे गुरु जी ने बताया था कि जब मौका मिले ना तो पहली बार में उतनी बेस्ट चीज एकदम पेल दो। अब आपको मैंने मौका दिया था, अब मैं गाड़ी आगे लेके जा रहा हूँ। आपने राजा जी का सुनाया है जी? राजा जी का अभी? हाँ, काना मोहे। काना जी का सुनाया? मैं गुरु जी का सुना सकते हो। लेकिन आपको मालूम है कि आपका ये आज जो आपने सुनाया है ये राग, ये कहाँ कहाँ तक जा रहा है? हाँ, जहाँ जहाँ आप रिले करेंगे वहाँ वहाँ जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में इस बार आओ मेला चले जो कार्यक्रम है, पूरे मध्य प्रदेश में टेलीकास्ट हो रहा है LCN सिटी केबल 87 नंबर के माध्यम से, और साथ में यूट्यूब पे पूरे वर्ल्ड में ये जाती जाता है। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ ग्वालियर के 6 केबल नेटवर्क हैथवे पर आप देख रहे हैं 868 नंबर पर, डिजियाना पर आप देख रहे हैं 91 और 123 नंबर पर, GPTL नेटवर्क 50 नंबर, एशियन पर 150 नंबर, डेन पर आप देख रहे हैं 156 नंबर चैनल पर, और सिटी केबल मैंने अभी आपको बताया 87, और साथ में यूट्यूब है आओ मेला चले कार्यक्रम आओ मेला चले पर। यहाँ पर क्या नाम है आपका? स्वाति कटी। और आपका? पलक कुशवा। आप दोनों फ्रेंड हैं? हाँ। इनसे कुछ अलग करवाते हैं, कुछ अलग करवाते हैं आपसे। आओ मेला चले शो देखते हैं ना आप? देखते हैं ना। चलिए, मैं इनसे कुछ अलग कराने की कोशिश करता हूँ, दोनों फ्रेंड हैं। एक काम करिए, मैं आपसे मॉडलिंग करवाता हूँ, आप दोनों को मॉडलिंग करनी है। लेकिन सुनिए सुनिए, मॉडलिंग करनी है आपको, फीमेल नहीं, मेल स्टाइल में मॉडलिंग करनी है दोनों को। जैसे मेल आते हैं ना, मेल जो मॉडलिंग करते हैं, आइए स्टार्ट करिए दोनों, आइए। जैसे मेल आते हैं, और देखिए मेरी बात सुनिए, प्रोफेशनल मॉडलिंग दिखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं भी सबसे पूछूंगा कि आप कितना पास हुए, उसके अनुसार आपकी गिफ्ट फाइनल हो जाएगी। मेल जैसे मॉडलिंग करते हैं, चलिए स्टार्ट करिए दोनों एक साथ, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ। ये मेल वाली बोल रहा हूँ मैं, एक बार फिर से ट्राई करिए ना, मेल कैसे करते हैं, ये फीमेल नहीं, मेल लोग कैसे करते हैं, आइए मेल मॉडलिंग जाओ करो तुम पहले, मेल कैसे मॉडलिंग करते हैं। वाह, वेरी गुड, वाह, आप दोनों सिस्टर हैं। आइए, अब आप दोनों से मैं मॉडलिंग करवा रहा हूँ, लेकिन मॉडलिंग लगना चाहिए कोई मेल कर रहा है, फीमेल नहीं, ठीक है ना, मेल मॉडलिंग। आपका रह गया है? हाँ, मेल जैसा करते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई फीमेल कर रही है, मेल नहीं कर रहा, मेल वाली, मेल वाली, लड़के वाली। वाह, अभी आ जाओ आप, अब ये आप दोनों आ जाओ, जरा दोनों इन्हें फीमेल वाली मॉडलिंग करके दिखा दीजिए, फीमेल करती है, नहीं उनने मेल की है ना, आप फीमेल करके दिखा दीजिए, आइए फटाफट क्विक, फीमेल जैसे, आइए आइए, फीमेल वाली, मेल वाली नहीं, हाँ थोड़ी सी लचक होनी चाहिए, हाँ आइए फीमेल वाली, आइए। ये फीमेल वाली बोल रहा हूँ मैं, फीमेल वाली, चलिए एक बार और ट्राई करिए, एक बार और ट्राई करिए वहां से, चलिए एक बार और, फीमेल वाली, फीमेल वाली, हाँ आइए, फीमेल वाली हो तो भाई हो गई क्या? ये तो करिए,
हमेशा नाम खराब कराएगा, लड़की नहीं जान पा रहा। ऐसे सोच तेरी कमर में दर्द है, हमें कर इसको घुटना टेढ़ा कर। अब चल, अबे ओए करण जोहर चल इधर, तेरे को बोल रहा हूँ ऐसे सोच कमर में दर्द है। अब यो सोच तेरा आज सुन्न हो गया, ऐसे कर ले। अब चल, ओए ओए रुक जा पीछे, हमने कर लिया अंकल देखो। अरे भाई तू उसका जेंडर चेंज करा देगा, मैं रियली बता रहा हूँ। तू उसका सिका सिका के जेंडर चेंज, तू उसकी बातों में आ जाता है। अच्छा वाला मेल है, इसके पापा ने इसके लिए लड़की 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 देखने गए थे। अब मैं इसको वीडियो भेज दूंगा, आपका लड़का नहीं है वो, देखा शादी टूट गई इसकी। बस खुश, खुश मेरा तो काम हो गया, मैं तो निकला। देर से मैं मना करता हूँ, उसकी बातों में नहीं आया कर, तू उसकी हमेशा बातों में आता है यार। चलिए, आप दोनों सिस्टर हैं, आप कहाँ रहते हैं? ग्वालियर। और आप? हम भी ग्वालियर। एक ही घर में रहते हैं? नहीं, अलग अलग। तो ग्वालियर में तो हम भी रहते हैं। ये भरतपुर से आई है, मेरी शादी ग्वालियर में हुई है। आपकी लोकल हुई है? हाँ। चलिए, आप दोनों में लड़ाई होती थी क्या बचपन में? इनका भी टैलेंट ले लेते हैं, बचपन में लड़ाई होती थी क्या? नहीं होती, कभी नहीं। सच में? कि कैमरे के आगे झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, सच में नहीं। अच्छा, दोनों इन्हें मिल बांट के खाते थे? पक्का एकदम? अभी भी साथ में ही रहते हैं, अभी भी मिल बांट के ड्रेस पहनते हैं, एक ही ऐसे कपड़े पहनते हैं। चलिए, एक काम करिए, उनकी नकल करके बता दीजिए वो क्या करते नहीं आती, आप बता दो इनके मिस्त्री। वो भी नहीं है। चलिए, मॉडलिंग करके मैं आपसे भी मॉडलिंग भी नहीं कर सकते, मिल के गाना सुना दीजिए कोई जल्दी। नाच सुनाइए। हाँ, नाच सुना दीजिए, बोलो बताओ। चलिए, हस्बी रब्बी जल्लल्ला माफी कल्बी गैर अल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्ला ला इलाहा इल्लल्ला प्यार नबी का। रब्बी जल्लल्ला माफी कल्बी गैर अल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्ला इलाहा इल्लल्ला। मेरे नबी का है मुखड़ा चांद भी जिस पर है शैदा नूर मोहम्मद सल्लल्ला हक ला इलाहा। बहुत शानदार है। हां साहब, अब बताइए, अब सीधे खड़े हो जाइए ना, सीधे कैमरे में भी तो सीधे देखें आप। शर्मा रही है आप? शर्मा रही है वो। कितने बच्चे हैं आपके? दो। दो बेटा बेटी है? बड़ा बेटा है छोटा बेटा है? बेटी बड़ी है। बेटी बड़ी है, शादी हो गई है आपकी? पूछ रहा हूँ मैं तो आपसे, सही है भाई, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ। डांटते भी हैं क्या? नहीं, सच में नहीं डांटते, डर के तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, आज तक नहीं डांटा? नहीं नहीं, अब थोड़ा बहुत तो चलता है ना उसके में। अच्छा, घर के बर्तन ज्यादा अच्छे से कौन साफ करता है, आप या भैया? दोनों ही करते हैं। दोनों करते हैं। ज्यादा सफाई से कौन माज लेता है, आप या भैया? दोनों ही कर लेते हैं, खाना दोनों को ही है तो दोनों ही करेंगे ना। अच्छा, झाड़ू सबसे ज्यादा अच्छी कौन लगाता है, आप या भैया? भैया लगाते हैं, भैया झाड़ू ज्यादा अच्छी लगा लेते हैं। अच्छा, अगर मैं कपड़े धोने की बात करूँ, कोई कपड़ा ज्यादा गंदा हो तो उसको ढंग से साफ कौन कर पाता है, आप या भैया? मैं करूंगी ना। आप करोगे? नहीं, भैया नहीं कर पाते? नहीं, कपड़े धोने नहीं आते? नहीं, आप कपड़े डाल के? नहीं तो आपने इतना, अच्छा कपड़े डालने नहीं जाते? इतना सारा सब कुछ सिखाया आपने भैया को, कपड़े धोना नहीं सिखाया आपने? कपड़े तो मशीन धोती है ना, हम थोड़ी धोते हैं। अरे तो फिर भी कोई कपड़ा गंदा होता है तो वो तो हाथ से धोना पड़ता है ना। हाथ मैं धो लेती हूँ। चलिए, कोई मिल के गाना सुना दीजिए जल्दी। गाना तो इनको सुनाइए, कोई गाना छोड़ो। तो क्या सुनाओगे भैया मेरे को? बस गाना वाना तो वैसे भी कम भी है, समाचार ही देख लेते हैं। नहीं, आपने अपनी शादी में फूफी ससुर के साले के लड़के को बुलाया था? हाँ, बुलाया था ना। बुलाया था? हाँ। कौन लगेंगे मालूम है आपको? हाँ। कौन लगेगा सोच लो आप। आप लगाओ ना। देखो, नहीं आप लगा लो, मैं कैमरे के सामने पूछ रहा हूँ, बाद में मत बोलना आप, सोच लो आप। बहुत दूर का रिश्ता। हाँ, आप देख लो, आप उनको जानते हो वैसे? नहीं। नहीं जानते आप? पक्का नहीं जानते? नहीं। सामने आ जाएंगे तो पहचान लोगे? हाँ, आ जाएं सामने। आ जाओगे तो पहचान लोगे, अभी जानते नहीं हो? हाँ। ये कैसा काम हो गया, ये फिर ये कैसी बात हो गई, सामने आएंगे तो पहचान। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, ये पहला दिन है तो मैं आज केवल छोटा छोटा एक इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ,
कि आप लोगों का प्रोग्राम देखते हैं, कार्यक्रम देखते हैं, बिल्कुल आप लोग देखते हैं। चलिए आप लोग भी कार्यक्रम देखते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। चलिए तो मिलकर कोई एक गाना सुना दीजिए। अच्छा तो हम चलते, अरे अभी अभी तो आए यार, फिर कम मिलोगे जब तुम कहोगे आधी रात। आप सुनिए मेरी बात, आधी रात सुनो, सुनो मेरी बात सुनिए। एक बार चश्मा उतारो, अब इनको देखो भाभी जी को गौर से, मेरी बात सुनो, इनको गौर से देखो, इनको देख कर सुनाओ गाना, आप इनको देखो। अच्छा तो हम चलते हैं, आप इनको पूरा भाई हीरो हीरोइन बन जाओ, मिलोगे जब तुम कहोगे आधी रात को नाना, आधी रात को कहाँ वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बेस्ट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मतलब मॉडलिंग वाली एक्टिंग आप बेहतर कर सकते हो, आपके अंदर टैलेंट भरा हुआ है। आइए भाभी जी के साथ में आइए, बन जाइए मॉडल बिना शर्माए जल्दी से, क्योंकि मेरा कैमरा चलता है, टाइम मेरा फटाफट चलता है। इसको भी सुन, एक आइए आइए मॉडल। अरे भाभी जी के साथ आ जाओ ना यार, अकेले अकेले भैया मॉडलिंग करने के लिए। दोबारा करो, चलो स्टार्ट, आइए आइए। चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार, आ जाइए बहुत शानदार। एक बात देखिए, तालियां तो आपको यहाँ पे मिल ही जाएंगी, आइए। तो मित्रों मैं वही कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए ग्वालियर स्वच्छता अभियान हमारे ग्वालियर में चल रहा है, ये ग्वालियर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ नगर निगम की नहीं है, आपकी हमारी भी बनती है। आप अगर इस शहर में रह रहे हैं, अगर आप इसको महानगर बनाना चाहते हैं, देखिए महानगर बनाने के लिए आपको हमको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, जब शासन इसको महानगर बना पाएगा, अन्यथा ये हमारा शहर बड़ा है, शहर बना रहेगा, महानगर बनाने के लिए आप और हम भी मेहनत करें। दूसरा, कृपया ट्रैफिक के नियमों का पालन जरूर करिए। जितने भी मेरे टमटम भाले और ऑटो वाले भैया हैं, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आपकी ये लापरवाही आगे चल के आपके लिए घातक बन जाए, आपके लिए नुकसानदेह हो जाए। जैसे पहले टेम्पो बंद किए गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि शासन को कोई ठोस कदम उठाना पड़े। लेफ्ट हैंड हमेशा फ्री पार्किंग होती है, लेफ्ट वाली हमेशा फ्री पार्किंग होती है, लेकिन उसके बावजूद आप अगर रेड लाइट पर रुकते हैं तो लेफ्ट वाली साइड को रोक के रुकते हैं। आप कोशिश करिए ना कि लेफ्ट वाली जो साइड है उसको हमेशा खाली छोड़ें, रॉन्ग साइड चल के आप केवल अपने ही समय नहीं सामने वाले का भी समय खराब करते हैं। तो प्लीज ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, ग्वालियर आपका हमारा अपना है। आदिया मैं टैलेंट पे तन्ने, ये क्या किया था तूने यार, सर्दी के चक्कर, अबे सर्दी के चक्कर में आवाज चली गई क्या तेरी, आवाज अबे तेरे को आ रही है, मैं पूछ रहा हूँ आवाज कैसे गायब हो गई तेरी, यो आ गई आवाज, ये क्या टैलेंट में मतलब क्या है, टैलेंट है तेरे पास? हाँ टैलेंट बिल्कुल है भाई साहब, टैलेंट है। आज मैं तल दूंगा अपना टैलेंट पेट, मतलब तू अपना टैलेंट पेट, मैं अपना टैलेंट पेट तल दूंगा आज, जो तेरे अंदर टैलेंट है उसे पेश करेगा, बिल्कुल तलूंगा आज मैं, टैलेंट है तेरे पास? टैलेंट है, बहुत ताला है, चल पेश कर भाई, पेट तल दूं, लेकिन उससे पहले मेरे लिए कुछ जरूरी बातें हैं, जरूरी बातें, हाँ तुम्हारी जरूरी बातें हैं, हाँ मेरी जरूरी बातें तुझ, वो मैं आप तो दूध पीते आया था ना, फिर दूध पीने से मेरे को तत्ती आ गई, दे दो तू तो देखो कितनी तत्ती आई है, दे मोती मोती तत्ती आई है, दूध पीने से तत्ती आ गई, दूध पीने से तत्ती आ गई, दे दो तत्ती, दूध देखो कितनी मोती तत्ती है, मतलब क्या होता क्या दूध पीने से तत्ती आ जाती है, तो दूध नहीं पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए ना, सब लोग दूध पिया, चलो दूध पीने से तत्ती आ जाएगी, ये आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, आ रहा है क्या, क्या होता है दूध पीने से, दूध पीने से तत्ती आती है, अबे टैलेंट पेश कर रहा है या दूध के वो बता रहा है, बिना पायल के नहीं बदले धुंधलू, आज मैं तलूंगा टैलेंट पे, लेकिन उससे पहले दो बातें बोल दूं, दो पुत की दूली मात लगाना है दलूली, अले गलत बात बोल दिया यार, मेरा टैलेंट वाली बात ही भूल जाता हूँ, आजा आगे आजा, आगे बोल रहा हूँ, मतलब आज तो तुम ही मेरे को अपने आप में टैलेंट देख रहे हो, मैं तो भाई साहब बहुत टैलेंटेड हूँ, तो दूध पीने से क्या होता है तत्ती आती है, तत्ती
आज मैं तल दूं अपना टैलेंट पे। है टैलेंट बहुत है, 10 के बाला 20 के थे। अरे टैलेंट वाली लाइन भूल गया यार, दोस्तों टैलेंट की लाइन आएगी अभी। टैलेंट क्या बोला था, 10 के 12? 10 के 12 20 के थे। और आगे आने दी लाइन तो भूल गया भाई साहब यार, टैलेंट ही नहीं निकलना मेला। देखो ये मेरा भजन जारी हुआ है खाटू श्याम बाबा का, 10 के 12 और 20 के 6, खाटू श्याम तेरे नाम की जय। खाटू श्याम तेरे नाम की जय। हाँ, और दूध पीने से शक्ति आती है, सबसे बोलवा फिर मानूंगा कि दूध पीने से शक्ति आती है। सही सही बोलो, दूध पीने से, दूध पीने से हाँ आ गई ना सबको शक्ति। हाँ तुम तो यार नेता बनोगे यार, दूध पीने से शक्ति आती है। चलो निकलो, हो गया, दूध पीने से शक्ति आती है। पे चल लेंगे भाई साहब, इतनी देर से और मैं क्या बोल रहा हूँ। आज मैं तलूंगा अपना तेल, अरे यार तेलन कहाँ फंस जाता है मेला यार, तेलन भूल निकल दिया मेरे दिमाग से आज। आप दोनों भाई साहब ये मैं इसके पता करके आया हूँ, ये कैदी अंकल, ये जेल में बंद था, ये जेल तोड़ के बाहर आया है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जेल की दीवार के कांच के निशान लगे, देखो अभी चिल्लाएगा ये भाई साहब, अभी चल रहे हो तांत दूध दिया उसमें मैं क्या भाई साहब। देखा ये दीवार नाक क्या है, कांच लगे होते ना बड़े बड़े ऊपर, वो देखो अभी देखो, ये देखो घुसे हुए इसके पीछे। आप इसको दिखा तो रहे हो सबको, लेकिन यार वो सब ठीक है, पुलिस आपको ले आएगी। नहीं वो सब ठीक है, लेकिन ये एक दूसरी आने का चीज बोल रहा है। क्या कह रहा है? बोल रहा दूध पीने से, दूध पीने से तत्ती आती है। और क्या बोल रहा हूँ, वो तो चाय पीने से भी आई थी। नहीं चाय पीने से नहीं आई थी, दूध पीने से ही आएगी तत्ती। चल लगा ले, तू एक गिलास दूध पी ले, मैं एक गिलास चाय पीता, जिसको पहले आएगी वो जीता। अबे ए, क्या ओरिजिनल वाली बात कर रहे हो क्या? क्या कह रहा है? वो बात सुन, तोतला है। अच्छा तोतला है ये, तोतला। अरे अरे बाबू यार, बात बहुत अपला तपली सा माहौल हो जाएगा। मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जवान पिसल गई यार, तोतला नहीं है। तोतला नहीं हूँ मैं, तोतला मत बोल दियो, धुंधलू वाला मुत्ता मालूम ना, मुंह से धुंधलू थी आवाज आएगी बिल। अरे आप लड़ाई का हाथा पाई पे बात आ रही है, तो दूध पीने से बता दे क्या होता है। दूध पीने से तत्ती आती है, थाने थाने से भी तत्ती आती है, चाय पीने से भी आती है। मैं कह रहा हूँ चाय पीने से, गर्म पानी से। अब तुम्हारे पास टैलेंट है? टैलेंट है भाई, करो पेश करो। आज मैं तल दूंगा अपना टैलेंट। ओए एक मिनट रुक, क्या आती है, क्या बोला था भूल गया मैं, तत्ती। हाँ देखा, इसको और कुछ आता मेरे को लग रहा है। अरे यार तोड़ देंगे इसके पांव, छू लेंगे इसके चरण, करण कोई और नहीं अपना करण। आज टैलेंट यही है भाई साहब, इसका इसका इसको दिखाएंगे हम। ये टैलेंट है? हाँ ये टैलेंट है, ये टैलेंट है। ये नाचेगा? ये हाँ ये नाचेगा, बहुत अच्छा नाचता है। नचवा दूँ पक्का? अरे इसकी बीवी इसको रोज नचवाती है चाकू की नोक पे। बजाऊँ फिर मैं? पक्का नहीं। गाना गाना कह रहे हैं? वही तो बोल रहा हूँ मैं, बजा दूँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पहली बार किया है। एक बार तालियां आपको यहाँ तो मिलेंगी, लेकिन घर बैठ के भी तालियां बनती हैं। और यहाँ पर ये टैलेंट वाला हमारा आज हमारा पहला डे था, कल से आप ही के बीच में से कोई ना कोई यहाँ टैलेंट पेश करेगा, तो गिफ्ट आपके लिए यहाँ मौजूद रहेंगे। चुनरी मैं बाथरूम करने गया था ना, कैसे क्या बोली थी, फूलों का तारों का सबका कहना है कि हजारों मेरी बहने का आना चलना चाहिए, और तूने यार चुनरी चुनरी करी दो मिनट में। आगे मैं कर दिया मैं करूँ, क्या बात हुई थी, फूलों का तारों की बात हुई थी ना, फूलों की तारों की बात ने प्यार की कलाइयों में राखी बांधी बोली थी ना तेरे को, फूलों की तारों पे क्या लड़की देखी नहीं, फिनाइल की बोतल बन जाता है, लुढ़क जाता है, कदा नहीं तो तुंदी में बांधते ले जाओ, तो चुन्नी में तुंदी चले जा तू, तो तुंदी में बांधो, बांध हाथ बांध, इतने चल चल ले इसको चल। बाबू एक मिनट, इधर बाबू तेरे टांगे तोड़ दूंगा तेरी में। अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर बाबू, ये जो डांस कर रहा था मैं सर फाड़ दूंगा उसका। अरे वो सब ठीक है, ये जितना जितना उसने डांस किया है, डांस तो ठीक नहीं किया, बकवास डांस किया इनने भाई साहब, उससे अच्छा डांस तू कर सकता है। इससे अच्छा मैं करता हूं, मेरे को आता ही नहीं है, मेरे को डांस नहीं आता। पूछो बाबू को डांस आता है कि नहीं आता, आता है जोर से बोलो, आता है ना। अरे मैं ठीक से चल भी नहीं पाता। देख बाबू डांस तो आता है तेरे को। अरे दिक्कत है, थोड़ा सा तो बजाऊंगा। अरे पैर में सूजन है,
थोड़ा सा तो बजाऊंगा मैं। अरे पैर में पेट दर्द हो रहा है बहुत तेज। पैर में पेट दर्द किसका होता है? मेरा होता है। मैं दो पेट एक यहाँ एक घुटने के नीचे लगवाया है। पैर में पेट दर्द है। नहीं अच्छा कर गया लड़का डांस तो क्या है भाई, ताली बजाओ उसके लिए। ना 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 ना, अभी इसने क्या बोला था, डांस कैसा करके गया है? बहुत अच्छा। अरे जोर से बोलो। अरे एक नंबर डांस कर गया अंकल वो। एक नंबर नहीं है। अरे एक नंबर आओ, दो नंबर में तुमसे कराता हूँ। नहीं मैं नहीं करूँगा डांस, समझा करो। थोड़ा सा तो बाबू करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। मेरे गले में दर्द हो रहा है। करो आइए, चलो जाओ निकल जाओ। तीन होंगे इस शो में, लेकिन अगर किसी ने प्रोडक्ट यूज किया हो, केश अमृत अगर आप में से किसी ने यूज किया हो, केश अमृत ऑयल किसी ने यूज किया हो तो हाथ खड़ा कर दो। केश अमृत इस्तेमाल किया है आपने? हाँ कराया है। बताइए खासियत क्या है? बहुत सुगंध है उसमें और बाल बिल्कुल ऐसे बेहतरीन हो जाते हैं, बिल्कुल मुलायम। बताइए। केश तेल बहुत अच्छा है, हमारी गुड़िया यूज करती है उसको, बाल झड़ने से रोकता है, उसकी जेल भी आती है, उसकी मालिश करो 15 दिन में अपना बहुत फायदा होता है उससे, और हर मेडिकल की दुकानों पे मिलता है। अरे वाह। और शिवरात्रि पे प्रोग्राम में भी हमने देखा था आपका ये वाला शो, उसमें भी वहीं से मंगाया आपने, बाजार से वहीं से मंगाया। लीजिए साहब केश अमृत, बालों का झड़ना 100% रोका है। 100% हमारी गुड़िया यूज करती है। पक्का एकदम? पक्का बिल्कुल। चलिए एक आपके लिए मैं दे देता हूँ केश अमृत की ओर से, देखिए ट्रॉली बैग आपका लक है, क्योंकि यहाँ तो सीधा सीधा। अब मैं आगे फिर चलता हूँ, आप लोग अगर मेरा शो देख रहे हैं लास्ट ईयर का भी, मैं वही है सिद्धि विनायक ज्वेलर। कहाँ पर है सिद्धि विनायक ज्वेलर? शायद बताना पड़ेगा, सिद्धि विनायक ज्वेलर जिंसी नाला। और आप देख एक करके आ रहा हूँ, नाला नंबर दो। क्या है इनके यहाँ प्रोडक्ट? ज्वेलर्स, ज्वेलरी वगैरह, ज्वेलर्स, सराफे में ज्वेलर्स। ये चिटनिस, चिटनिस के गोट में है सर, है ना? हाँ, और ये ज्वेलर्स की दुकान है। ज्वेलर्स में मतलब सोने चांदी का, आर्टिफिशियल का भी है? नहीं, सर गलत बता रहे हैं। ओके ओके, लेकिन आप, ये चिटनिस के गोट में? नहीं ये कंफर्म है चिटनिस की गोट। क्या जी, क्या जी? नहीं आपने प्रोग्राम नहीं देखा है जी, ये चिटनिस की गोट में है ना सिद्धि विनायक ज्वेलर्स। क्या है इनके मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह मिलती हैं? और मतलब कंगन वगैरह, बिच्छी, पायल बिच्छी, ये सब सारी आइटम। नहीं बता पा रहे आप। देखिए ज्वेलर्स दो तरीके के होते हैं, मैं इधर पूछ लेता हूँ अगर बता पाए। सुधा ज्वेलर्स के सामने सिद्धि विनायक। क्या है इनके, है क्या? ज्वेलरी का काम है उनका। ज्वेलरी का कैसा? गोल्ड ज्वेलरी का। नहीं नहीं, मैं और कोई पब्लिक में अगर बताएगा तो मैं उसको ना ना, पहला दिन है कल से तो देखिए यहाँ बताने वाले बहुत आ जाएंगे। चलिए मैं हटा देता हूँ, विशाल विंडो कूलर जो बता देगा हाथ खड़ा। विशाल इनके क्या है? इनके यहाँ कूलर, अलमारी, सोफा सेट वगैरह सब कुछ मिलता है। प्रोडक्ट अच्छा है इसका, अभी मैंने सोफा कम्बैट लिया है उनसे। 25 में कहाँ पर है ये? जिंसी नाला नंबर। और मेले में? मेले में छतरी नंबर एक पर है। चलिए विशाल फर्नीचर से एक आपके लिए स्लिप बेल मैट्रेस है उनका, उनकी तरफ से एक आपके लिए मैं एक्सक्लूसिव ये गिफ्ट दे रहा हूँ। चलिए मैं इधर से पूछ लेता हूँ, बहुत शानदार अनेजा मॉल कहाँ पर है जानकारी है? बताना तो पड़ेगा ना अनेजा मॉल। 550 रुपये कीमत की साड़ी है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अनेजा मॉल गांधी मार्केट के पास, पूरा बताइए। हाँ गांधी मार्केट है। गांधी और इनका क्या है? साड़ियाँ, सूट वगैरह सारे लहंगे, काफी अच्छे वैरायटी रखते हैं वो लोग। गांधी मार्केट मोर बाजार ICICI बैंक के पास, आपने बिल्कुल ठीक बताया। एक आपके लिए अनेजा मॉल से एक आपके लिए उपहार है। चलिए पद्मश्री चाय, नया बाजार, RID कंपनी, नया बाजार। और इनका क्या क्या है? और इनका चाय का ही है पूरा प्रोडक्ट, चाय का ही मिलता है। और कहाँ मिलता है इसके अलावा? RIT का मैंने तो वही देखा है। नहीं इसके अलावा ये पद्मश्री चाय और कहाँ मिल सकती है? इसके अलावा तो नहीं पता मुझे, नए बाजार का पक्का पता। सिंपल सा क्वेश्चन था, पद्मश्री चाय। एक तो नए बाजार पे इनके ब्रांच है और एक अपना ये सराफा बाजार में भी ये है। कहाँ मिल सकती है? और केवल सिंपल सा तो सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ये और कहाँ मिल सकती है? सिंपल सा है, हर दुकान पे। कहाँ पे? हर दुकान पे, हर दुकान पे। और उसके अलावा थोक में? थोक में नए बाजार। रखिए एक आपके लिए, ये लक होता है। सिंपल सा देखिए, मैं बोल रहा हूँ सिंपल सा क्वेश्चन है कि कहाँ मिलती है ये 60 साल पुरानी चाय पद्मश्री। चलिए निरंकारी बेकरी, हाँ बताइए। जनकगंज। वेरी गुड। और इनके यहाँ
और उनके बहुत सारे बेकरी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, केक है, पेस्ट्री है और तरह तरह के बिस्किट मिलते हैं। एक ब्रांच सिल्वर स्टेट, सिल्वर स्टेट सिटी सेंटर, सिटी सेंटर में राइट। यहाँ मेले में 36 नंबर 3 पे भी इनका एक स्टॉल लगा हुआ है, 36 नंबर 3 पे भी है राइट। इनके देखिए केक के तो ये स्पेशलिस्ट हैं जी, बिल्कुल। जैसा आप केक चाहते हैं आप केवल इनको फोटो दिखा देंगे, बना देंगे बिल्कुल। एक आपके लिए रखिए, निरंकारी बेकरी से है, आया बहुत अच्छा, केश अमृत रखिए, एक आपके लिए केश अमृत से और है, ये केश अमृत रखिए, एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है पंडित जी रखिए, केश अमृत से आपके लिए भी है केश अमृत। मैं आपको बताता हूँ जी सर, एक्चुअली बालों का झड़ना समस्या बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है ना, पानी के कारण। नहीं नहीं, मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत सारे तेल इस्तेमाल किए होंगे लेकिन वो असरदार नहीं हुए होंगे। ये टोटल आयुर्वेदिक है, इसकी गारंटी मैं इसलिए लूंगा कि एक साल से मेरी फैमिली से यूज कर रही है। ओके। इसके अंदर ये जेल है, बहुत ज्यादा अगर आपको समस्या हो रही है बाल झड़ने की महिलाओं को, इसका जेल रात को लगातार 15 दिन रब करना है, बालों में अंदर तक पहुंच जाए जी, जी। और अगर आपको धोने की समस्या नहीं है तो आप रोज करिए, ये भी वैसे भी सूख जाएगा जी। और जिस दिन आप तेल लगाते हैं उस दिन ये तेल लगाइए, 10 दिन बाद जब आप मेले में यहाँ मुझसे मिलेंगे, गेट टू गेट करेंगे जी सर, तो जब आप बोलेंगे कि हाँ ये बहुत असरकारक है जी सर, ठीक है ना। और कम उम्र में जिनके प्रोडक्ट को बिल्कुल यूज करेंगे और आगे भी सबको जो है ये बताएंगे, बाजार में हर मेडिकल पे उपलब्ध है और वैसे मीशो और ऑनलाइन भी ले सकते हैं। एक आप दोनों के लिए रखिए, आप दोनों फ्रेंड हैं, एक आप दोनों के लिए सिस्टर हैं, एक आपके लिए भी है रखिए, सॉरी पकड़ते जाइए, केश अमृत आपके लिए, एक आप दोनों के लिए भी रखिए, केश अमृत है, एक आप दोनों के लिए भी, आपको तो बड़ा उपहार और मिल गया है, और इस्तेमाल करिए केश अमृत, और एक आपके लिए भी है रखिए केश अमृत, एक एक और आप मैं आप सबके लिए देता हूँ, पद्मश्री चाय से रखिए, आपके लिए भी है, एक आपके लिए पद्मश्री चाय से रखिए, आपके लिए भी है, एक आपके लिए पद्मश्री चाय से, आपके लिए भी है, एक आपके लिए है और एक आपके लिए भी है पद्मश्री चाय से, एक एक और आप सबके लिए, अनेजा मॉल ICICI बैंक मोर बाजार रखिए महाराज बाड़े के पास, अनेजा मॉल से एक एक जरूरत थी आपके लिए है कि ये किरिंग है आपके लिए है, एक आपके लिए भी है अनेजा मॉल से है, और एक एक आपके लिए है अनेजा मॉल महाराज वाला, एक आपके लिए भी है अनेजा मॉल आपके लिए, कहाँ पर निरंकारी, जनागंज, जनागंज, एक आपके लिए, आपके लिए भी निरंकारी से, आपको बहुत बड़ा मिला निरंकारी से, एक आपके लिए भी है दोनों के लिए निरंकारी बेकरी से, एक आपके लिए है दोनों सिस्टर्स के लिए निरंकारी बेकरी से, आपके लिए भी है दोनों के लिए निरंकारी बेकरी से है, एक आपके लिए है निरंकारी बेकरी से है, जी बहुत बेस्ट है नमकीन तो इनका एक नंबर है, मैं आपको बता रहा हूँ शुद्ध ऑयल, एक आपके लिए निरंकारी बेकरी से रख लीजिए, आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की थी, आप प्रोग्राम देखते हैं ना यही चक्कर है, आपके लिए भी, कहाँ पर है निरंकारी, जनकगढ़, एक आपके लिए मेले में 36 नंबर 3 पे है, विशाल विंडो कूलर, विशाल फर्नीचर, विशाल अलमारी, आराम से पकड़िए कहीं कटे ना, एक आपके लिए भी है विशाल विंडो कूलर से, विशाल फर्नीचर से, ये आपके लिए सिल्क बेल मैट्रेस से है, सिम्फनी विशाल विंडो कूलर से और विशाल फर्नीचर से, आपके लिए सिद्धि विनायक ज्वेलर्स से, एक एक आपके लिए चिटनीस की गोट, इनके यहाँ सिद्धि विनायक ज्वेलर्स पे जी सर, आप सबने बताया जी सर, इनके यहाँ देखिए किराए पे इनके ज्वेलरी उपलब्ध है, आर्टिफिशियल लहंगा चुन्नी क्रॉप टॉप गाउन साइड बाय साइड लहंगे, ठीक है कि नहीं है, एक आपके लिए, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए भी दोनों के लिए सस्ता के लिए, एक आपके लिए है सिद्धि विनायक ज्वेलर से, एक एक आप दोनों के लिए सिद्धि विनायक, और रखिए अनेजा मॉल से, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए भी अनेजा मॉल से, आपके लिए अनेजा मॉल, ये महाराज वाड़ा मोर बिहार के पास अनेजा मॉल से आपके लिए, आपके लिए भी अनेजा मॉल से है, आप दोनों के लिए अनेजा मॉल से है, एक आपके लिए भी अनेजा मॉल से रखिए, एक आपके लिए भी अनेजा मॉल से, उधर चलता हूँ मैं, इधर क्या नाम है आपका, गीता, रखो पद्मश्री चाय से, एक आपके लिए भी उपहार है, क्या नाम है आपका, प्रोग्राम देखते हो आप, एक आपके लिए रखिए पद्मश्री चाय से, एक आपके लिए, बहुत देर से वीडियो बना रहे हो, नाम नहीं गोलू, लो गोलू भाई चाय पीना घर पे आ गया, पद्मश्री चाय से, एक आपके लिए भी उपहार है, इधर क्या नाम है आपका, अफजल नाम है, अफजल भाई
चाय पी लेना। पद्मश्री चाय से एक आपके लिए भी उपहार है, और इधर क्या नाम है आपका? मनोज कुशवाहा। एक आपके लिए पद्मश्री चाय से है। और दोस्तों यहाँ से अब सीधे चलते हैं झूला सेक्टर और देखते हैं 2023 झूला सेक्टर ग्वालियर के व्यापार मेले में किस तरीके से तैयार है। यहाँ से सीधे झूला सेक्टर। तो दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम केश अमृत आओ मेला चला 2003 पहला दिन, यानी 17 जनवरी से आज का हमारा कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ है। अब आपको प्रतिदिन टीवी के माध्यम से एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से आपके पास तक ये कार्यक्रम आपको मिलता रहेगा। आप कहाँ, आपको कैसे देखना है याद रखिए, अगर आपका ये यहाँ पर फोटो आया है और आपके रिलेटिव अगर मध्य प्रदेश में कहीं भी रहते हैं तो उनको बता दीजिए सिटी केबल के 87 नंबर पूरे मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा 87 LCN पर। इसके साथ ग्वालियर चंबल संभाग में यहाँ पर विन ग्वालियर हैथवे के माध्यम से 868 नंबर हैथवे से। डिजियाना पे अगर आप देख रहे हैं तो डिजियाना पे मिलेगा 91 और 123 91 और 123। डैन पे देख रहे हैं तो डैन पे आपको मिलेगा ये कार्यक्रम 156 नंबर चैनल 156। और इसके बाद अगर GPTL रिलायंस केबल पे अगर आप देख रहे हैं तो ये कार्यक्रम आपको मिलेगा 50 नंबर चैनल। और इसके साथ में अगर आप एशियन नेटवर्क पर देख रहे हैं तो वहां भी आपको मिलेगा 50 नंबर चैनल पर। मैंने आपको जैसा बताया सायकाल 6:30 से और 7:30 बजे तक आओ मेला चलेगी टीम झूला सेक्टर में रहती है। अभी आपने जो गाना देखा है ये गाना आपको मिलेगा और हम आपको कवर कर लेंगे। बाद बाकी बच्चों का टाइमिंग 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक बच्चों का टाइमिंग एकदम शेड्यूल हमारा फिक्स है। 6 नंबर 2 पर आ जाइए, वहाँ से हम अपने साथ बच्चों को ले जाएंगे। ओवरऑल एज आपके पास कोई टैलेंट है तो आइए, पूरा माह है। अब पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में यूट्यूब के माध्यम से आप पहुँचाए जाएंगे। लगभग 2 बजे 6 नंबर 2 पर अगर आपके पास टैलेंट है तो 2 के आसपास हमारी टीम को ढूंढ लीजिए। और उसके बाद किसी कॉन्सर्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं, लास्ट सुपर वुमन, सुपर गर्ल, सुपर बॉय, तो आपको शाम को 4 बजे तक हमसे संपर्क करना पड़ेगा। तो इजाजत चाहता हूँ आज के कार्यक्रम में। मैं शिरीष गुप्ता गुड्डू, मेरे साथ निखिल कटारिया, बाबू बेधड़क, पूरी आओ मेरा चले टीम इस वादे के साथ कल आपसे इसी चैनल पर इसी जगह पुनः मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए सभी नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा ढेर सारा प्यार, सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा चरणित पद और सभी हम उम्र को हाय। अंत में आज इजाजत और कल मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय।